स्वागत है नमस्कार दोस्तों क्लासेस पर आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे प्यारे दोस्त सभी लोग आ जाओ सभी लोग आ जाओ मजा आने वाला है ध्रुव जी गुड नाइट बोल रहे हैं कोई बात नहीं आप जाके सो जाइए मेरे प्यारे दोस्त मधु गुड आफ्टरनून गुड आफ्टरनून गुड इवनिंग गुड मॉर्निंग गुड नम, नमस्कार आदाब वंदे मातरम भारत माता की जय तो सबको एक बार मुन्ना कुमार भी आ चुके हैं हमारे साथ बिकी भी आ चुके हैं गुड आफ्टरनून गुड आफ्टरनून गुड आफ्टरनून गुड आफ्टरनून तो सभी प्यारे दोस्त आ जा ताबड़ तोड़ हम लोग क्या करेंगे चलिए भैया राम 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 भैया सबको नमस्कार सबको आदाब सबको बंदे मात्र सबको भारत माता की जय तो सभी लोग आ जाओ भाई साहब आज देखते हैं हम लोग क्या करने वाले हैं है ना चंदन कुमार चंदन कुमार नमस्कार नमस्कार भैया नमस्कार सब लोग आओ भैया जल्दी जल्दी आ जाओ देखते हैं कौन कितने पानी में है हमने क्या खोया क्या पाया धमाल मचाएंगे बहुत अच्छा है ना सक्सेड पॉइंट सब लोग आ जाओ सब लोग आ जाओ सब लोग आ जाओ असलम आलकुम बोले हैं चंदन है भैया वालेकुम सलाम भैया नमस्कार आदाब बंदे मात नमस्ते नमस्ते छोटू पांडे नमस्ते छोटू पांडे नमस्ते राधे राधे संदीप राधे 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 गुड आफ्टरनून विशाल भाई गुड आफ्टरनून नमस्कार चलिए चलिए दोस्तों कुछ कहना चाहते हैं ए किसी ने कुछ कहा है सर जीएस को लेकर जरा एक बार फिर से है ना आप अपना कमेंट डालिए देखे क्या कह रहे हैं आप चलो भाई साहब गुंजन कुमार बताइए सर बिल्कुल बताएंगे रेडी है हम लोग आज भंडारा है यहाँ बहुत अच्छा रामचरण भंडारा तो वही है हम लोग का राधे राधे भैया सबको नमस्कार सबको नमस्कार सबको नमस्कार राधे 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 आदाब आदाब जय हिंद जय हिंद सबको रेडी रेडी भैया चलो चलिए मेरे प्यारे दोस्तों चलिए दीपक कुमार का सलाम रहमान सर अरे भैया आपको भी वालेकुम सलाम नमस्कार चलो भाई साहब आ जाओ भैया तो आ गया है आपका सामान्य विज्ञान जनरल साइंस सामान्य विज्ञान के हम उन प्रश्नों पर गुफ्तगु करेंगे या डिस्कशन करेंगे जो प्रश्न आपके ग्रुप डी की परीक्षा में बढ़िया पूछा गया है चलिए आओ भैया आते हैं देखते हैं पहला प्रश्न आपको मिलने जा रहा है पहला प्रश्न क्या कहता है बाबू आई लो देख लो पहला प्रश्न कहता है ग्लोबल वार्मिंग के कारण पृथ्वी की सतह का औसत तापमान कितनी दर से बढ़ता है या किस दर से बढ़ रहा है सबको बताना है बढ़िया क्वेश्चन है मस्त ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग द एवरेज टेम्परेचर ऑफ द अर्थ सरफेस इंक्रीज बाय विच रेट बढ़िया क्वेश्चन है सभी लोग इसका आंसर मारिएगा पता है ए इज द करेक्ट आंसर ए इज द करेक्ट आंसर देखो भैया ध्यान दीजिएगा वायुमंडल में या एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी है जीरो जीरो थ्री थ्री परसेंट था, था कब था आज के 200 साल पहले था कितने साल पहले था 200 साल पहले था लेकिन इस समय कितना है 0.03 पॉइंट जीरो परसेंट वर्तमान में कार्बन डाई ऑक्साइड है ठीक अब ध्यान से समझिएगा ध्यान से समझिएगा भैया ध्यान से बहुत अच्छी बात लेकिन भाई साहब आए कोरोना भाई साहब आए कोरोना और लगा लॉकडाउन सबके गाड़ी की जो है सारा सिस्टम हुआ रुक गया है ना और जब सारा सिस्टम रुक गया तो कार्बन डाइऑक्साइड में गिरावट आ गई है कितनी गिरावट आ गई है तकरीबन सात परसेंट जो बढ़ रहा था उसमें गिरावट आई है है ना तो मजा आ जाता है भैया ये सुन के कि कोरोना आया अब फिर कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ेगा तो भगवान फिर से कोरोना का भाई निमोना भेजेंगे और जब निमोना भेजेंगे भैया तो मज़ा आ जाएगा फिर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा घट जाएगी है ना अब ग्लोब कार्बन डाइऑक्साइड क्या है भैया ग्लोबल वार्मिंग इफेक्ट गैस है है ना या कह सकते हो ग्रीन हाउस गैस है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है मेरे प्यारे दोस्तों टेम्परेचर बढ़ रहा है और टम्परेचर कितना बढ़ गया है जीरो पॉइंट फाइव डिग्री सेल्सियस प्रति साल बढ़ता है अब एक समय ऐसा आएगा कि सारा ग्लेशियर पिघल जाएगा और हमको तो डर लगता है मालदीप का क्या होगा ठाकुर मालदीप तो इतना छोटा सा पनिए में है है ना थोड़ा सा पानी उठेगा मालदीप खलास ठीक चलिए अब याद रखिएगा अगला है ब्लैक होल संबंधी सही बयानों का चयन करिए सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट रिलेटिंग टू द अ ब्लैक होल बढ़िया क्वेश्चन है मस्त क्वेश्चन है भैया आपको बताना है गजब का भैया सबसे पहली बात जान लो ब्लैक होल का सिस्टम क्या है देखिए ब्लैक होल की अगर हम बात करें ब्लैक होल को बोलते हैं कृष्ण कृष्ण बिवर बोलते हैं ब्लैक होल की डेंसिटी बहुत ज्यादा होती है क्या भैया डेंसिटी बहुत ज़्यादा होती घनत्व बहुत ज़्यादा जिसकी वजह से उसमें ग्रेविटेशनल फ़ोर्स भी बहुत ज़्यादा होता है क्या होता है भैया ग्रेविटेशनल फोर्स भी बहुत ज़्यादा होता है तो वो सबको अपनी ओर क्या कर ले रहा है अट्रैक्ट कर ले रहा है अपनी ओर खींच ले रहा है ठीक तो इसमें स्टेटमेंट है उसका गुरुत्वाकर्षण प्रभाव कमज़ोर है भैया बहुत हार्ड है बहुत मजबूत है या प्रकाश को दर्शाता है भैया प्रकाश दर्शाता तो हम पहुंच ना जाते वहां तक हॉकिंस रेडिएशन को उत्सर्जन करता है हाँ, यही बात याद करना है सी द करेक्ट आंसर ओके चलो भैया अगला प्रश्न क्या कहता है रासायनिक रूप से मिल्क ऑफ मैग्नीशिया किसे कहा जाता है बढ़िया क्वेश्चन है कि मिल्क किसे कहा जाता है सभी लोग आंसर दीजिएगा भैया मस्त क्वेश्चन है झनझना झन प्रश्न है सब लोग बताना है मैग्नीशिया मिल्क ऑफ मैग्नीशिया किसे कहा जाता है तो आपको पता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया किसे कहते हैं मेरे प्यारे दोस्तों मैग्नीशिया मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहते हैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को कहा जाता है किसको कहा जाता है भैया मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को कहा जाता है और आपको पता है इनका नेचर कैसा होता है बेसिक होता है या कह सकते हो इनका नेचर कैसा होता है क्षारिय होता है इसीलिए इनका प्रयोग कहाँ किया जाता है एंट एसिड में किया जाता है या कह सकते हो प्रति अम्ल के रूप में इनका प्रयोग किया जाता है किसी को एसिडिटी हो जाती है तो मिल्क आप मैग्नीशिया पिलाया जाता है मिल्क आप मैग्नीशिया पिलाया जाता है जब किसी को एसिडिटी हो जाती है और डकार आता ऐसे वाला डकार आता है ना खट्टी वाली डकार <laughs> <laughs> चलिए हमको तो हंसी आती उसको बोलते खट्टी वाली डकार आती ठूस के बैठे हो खाना है ना तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं मेरे प्यारे दोस्तों चलिए भैया तो ऑफ मैगनीशिया को क्या बोला जाता है है ना बहुत अच्छा चलो भाई साहब अगला प्रश्न क्या कहता है कौन सा विस्हरण करता है सबको पता है यार हमने आपको इतना पढ़ा डाला इसको लेकर कि विस्हरण का काम कौन करता है मस्त क्वेश्चन है झनझना झन प्रश्न है भैया कौन सा विस्हरण करता है और पाचन के लिए आवश्यक रसायनों को पैदा करता है देखिए अब क्या होता है कि फलाने और फलानी में लड़ाई हो गई फलाने और फलानी में जब लड़ाई होती है तो अमूमन क्या होता है कि उनको लगता है कि हम इनके बगैर नहीं रह पाएंगे और ये हमारे बगैर नहीं बताने क्या करते हैं फालतू का काम करते रहते हैं और जब कभी भी है ना गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड में लड़ाई होती है तो लोग आत्महत्या करने की सोच सोचने लगते हैं और ऐसा नहीं कि आत्महत्या इसलिए करते हैं कि बस हम तुमसे दूर हो जाते वो दिखाने के लिए करते हैं कि भैया हम तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकते हैं और बिना तुम्हारे हम कुछ भी कर सकते हैं है ना तो याद रखेगा उस समय वो खा लेता है जहर है ना क्या खाता है भैया जहर खाता है और याद रखिएगा जब वो जहर खाता है तो जहर से लड़ने के लिए क्या बनता है भैया एंटीबॉडीज़ बनता है क्या बनता है एंटीबॉडीज़ बनता है और इस एंटीबॉडीज़ का, का काम कौन करता है मेरे प्यारे दोस्तों एंटीबॉडीज बनाने का काम लीवर करता है या, या यकृत करता है लीवर करता है या यकृत करता है तो इसी को बहुत ईजिली याद करिएगा जब भी कभी कोई जहर खाता है है ना पति पत्नी की लड़ाई में गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बॉय की लड़ाई में तो इस स्थिति आ जाती है कि लोग पॉइजन इंटेक कर लेते हैं और ऐसी स्थिति में हम लोग पढ़ते हैं कि जिंदगी और मौत से अस्पताल में लड़ रहा होता है लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है वो व्यक्ति तो बकलोल है वो लड़ रहा होगा नहीं ऐसा कुछ नहीं उनसे कौन लड़ता है लीवर लड़ता है लीवर इसलिए लड़ता है क्योंकि लीवर का काम है डिटॉक्सीफिकेशन है ना चलो भैया तो ये प्रश्न पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में इसको बहुत ही ईजिली आप लोग याद कर लीजिएगा भाई साहब चलिए तो डिटॉक्सिफिकेशन या कोई भी जहरीला पदार्थ खाओगे तो उसका मेरे प्यारे दोस्तों ठीक है उसका क्या हो जाएगा है ना चलिए चलो भाई तो ऐसे प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं तो इस पर ध्यान देना है चलिए भैया तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ेंगे अगला प्रश्न क्या कहता है क्षेत्रफल से बल का अनुपात क्या होता है द रेशियो ऑफ द एरिया फोर्स टू एरिया तो क्षेत्रफल जो है और बल और क्षेत्रफल का रेशियो क्या कहलाता है दाब कहलाता है क्योंकि हम लोग पढ़ते हैं दाब बराबर क्या होता है बल बटा क्षेत्रफल होता है बल बटा क्षेत्रफल होता है या फोर्स अपान एरिया होता है प्रेशर को हम लोग बोलते हैं तो बड़ी इजली है सबको पता है मेरे प्यारे दोस्तों दबाव या प्रेशर कहलाता बहुत ही आसान क्वेश्चन था इस पर कोई बहुत बड़ी बात नहीं है सभी प्यारे दोस्त समझिएगा आगे बढ़िएगा अच्छा लगेगा अगला प्रश्न क्या कहता है रबर का प्राकृतिक बहुलक है मस्त क्वेश्चन है भैया कि द नेचुरल पॉलीमर ऑफ रबर इज मस्त है भैया झन जन जन, प्रश्न दे भैया बहुत 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 बढ़िया 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 देखिए कोई बात नहीं है आपने नाम सुना होगा वॉल केनाइजेशन वॉल के नाइजेशन वोल या हिंदी में बोलते इसको वलकनीकरण बोलते हैं क्या बोलते हैं भैया वल्कनीकरण बोलते हैं और वल्कनीकरण किसके लिए है भैया रबर को शुद्ध करने के लिए किसके लिए भैया रबर को शुद्ध करने के लिए या प्योरिटी ऑफ रबर या इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ रबर और इसमें किसका प्रयोग किया जाता है मेरे प्यारे दोस्तों सल्फर का प्रयोग किया जाता है किसका प्रयोग किया जाता है सल्फर का प्रयोग किया जाता है और रबर है क्या मेरे प्यारे दोस्तों तब आप बता दोगे पॉलीमर है क्या है पॉलीमर है या बहुलक है रबर क्या है पॉलीमर है या बहुलक है किसका पॉलीमर है मेरे प्यारे दोस्तों तो आइसोप्रीन का पॉलीमर है किसका है भैया आइसोप्रीन का पॉलीमर है तो बीज द करेक्ट आंसर इज द करेक्ट आंसर तो बढ़िया क्वेश्चन था कोई दिक्कत वाली बात नहीं है जो भी रबर से आपसे पूछा है अब आपको यह भी पता होना चाहिए कि रबर के पौधे का नाम क्या है फीकस इलास्टिका है फीकस इलास्टिका है ये बात आपको याद रखना है फीकस इलास्ट और फीकस इलास्टिका क्या है मेरे प्यारे दोस्तों सदा वन है मतलब ये इक्वेटर पर पाए जाते हैं ये आपको याद रखना है भैया मस्त क्वेश्चन था झन अगला प्रश्न क्या कहता है ग्रीन कृत्रिम ग्रीन हाउस के शीशे होते हैं आर्टिफिशियल ग्रीन हाउस मिरर या ग्लास अब यहां पर बहुत प्यार से समझना है एक एक बात भैया ये देखिए मान लीजिए ग्रीन हाउस बनाया गया है क्या बनाया गया ग्रीन हाउस चेंबर बनाया गया। और इसी में पेड़ पौधे उगाया जाता है ये चीज आप लोगों ने देखा होगा है ना अब ये पूरा कांच से बंद कर सूरज की रोशनी आती है अंदर पहुंचती है लेकिन टकराने के बाद वापस नहीं जा पाती है लौट आती है दोबारा ठीक है तो ध्यान से समझिएगा सनलाइट जो होती है वो शॉर्ट वेव में होती है और पृथ्वी से टकराने के बाद ये लॉन्ग वेव में हो जाती है मतलब ये क्या होता है मेरे प्यारे दोस्तों शॉर्ट वेव को क्या बोलते हैं हिंदी में ठीक है लघु तरंगे और टकराने के बाद जो पृथ्वी से तरंगे निकलती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं मेरे प्यारे दोस्तों तो दीर्घ तरंग तो ये जो ग्लास है ये ग्लास शॉर्ट वेव को तो पार कर जाती है लेकिन लॉन्ग वेव को पार नहीं कर पाती है इसी वजह से क्या होता है इसको वापस दोबारा भेज देती है तो ये बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है बहुत लोग समझते रहते हैं लेकिन अगर ये बातें समझ में आ गई तो बहुत अच्छी बात है भैया तो इसका आंसर यही होगा कि आवक्त के अपारदर्शी किंतु निर्गामी बिकरण के लिए पारदर्शी आवक्त के लिए निर्गामी के लिए अपारदर्शी होती है तो आपको बताना इसका आंसर क्या होगा भैया बहुत अच्छा क्वेश्चन है मस्त क्वेश्चन है भाई साहब बहुत बढ़िया क्वेश्चन है तो कौन सा हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्त आंसर हो जाएगा ए ये क्या करता है ठीक है चलिए भैया ये कहता है कि आने वाली विकरण के लिए पारदर्शी लेकिन जाने वाले विकरण के लिए क्या होती है अपारदर्शी होती है मस्त क्वेश्चन था भैया मस्त क्वेश्चन था भैया चलिए हिंदी में तो बताए हैं यार चलिए है ना चलिए भैया रबर का पौधा मोस्टली इक्वेटर पे पाया जाता है चलिए बहुत बढ़िया बहुत जबरदस्त आओ भैया अगला प्रश्न क्या कहता है अगला प्रश्न कहते चुंबकीय परवाह का एसआई इकाई क्या है मस्त क्वेश्चन है सभी लोग आंसर देंगे भैया सभी लोग आंसर दो आप लोग बताइए भैया हिंदी में बता दे क्या हिंदी में बता दे दोस्त चलिए यह वाला चाहते हिंदी में बता दे देखिए सूरज से आने वाली जो किरण होती है वो एक्चुअली में लघु तरंगों के रूप में होती है तो जो ग्लास होता है वो लघु तरंगों को तो पार करने देती है लेकिन पृथ्वी से टकराने के बाद जब पृथ्वी से तरंगे निकलती है वो दीर्घ तरंगों में बदल जाती है और दीर्घ तरंग जो होती है मेरे प्यारे दोस्तों वो ग्लास को पार नहीं कर पाती है और टकरा आकर दोबारा फिर वापस चली जाती है तो यह बात याद रखिएगा भैया देखिए चुंबकीय प्रवाह का एसआई जो है मात्रक क्या होगा मस्त क्वेश्चन है भैया बेवर होगा क्या होगा बेवर होगा चुंबकीय प्रवाह का एसआई मात्रक क्या होगा बेवर होगा तो यह बहुत ही आसान क्वेश्चन था कोई दिक्कत वाली बात नहीं है चलिए क्या करें मेरा <laughs> क्या करें सुरेंद्र नहीं नहीं भैया आपने क्या कमेंट किया हमने देखा ही नहीं दोस्त काहे गुस्सा हो रही अच्छा हो भाई माफ करिएगा दोस्त ठीक है चलो चलिए गुस्सा हो गए भाई साहब मेरा मैथ वीक है कोई बात नहीं आपका मैथ वीक है तो मजबूत हो जाएगा सत्यम सर जहाँ पर है वहां तो जिंदाबाद ही है भाई साहब ठीक है उनके उनका कोई सब्सिट्यूट नहीं है ऑल ओवर इंडिया में देखा जाए तो है ना चलो भाई साहब चलो भैया बढ़िया 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 अरे नहीं राम कुमार आपका नाम क्यों नहीं लेंगे भैया अगला प्रश्न क्या कहता है क्रशुलेसी अम्ल कहां पाया जाता है आपको बताना है क्रशुलेसी अम्ल जो है वो कहां पाया जाता है या क्रसुलेसियन एसिड कहां पाया जाता है या किसमें होता है तो याद रखिएगा गूदेदार फल में या गूदेदार जो पौधा होता है उसमें पाया जाता है ठीक है चलो भैया पीडीएफ नहीं है जितेंद्र कुमार इतना का है गुस्सा हो रहे है यार एक तो फ्री में टेस्ट मिल रहा है दूसरा इतना गुस्सा हो रहे हो है ना ठीक है कोई बात नहीं टीचर आके आपको पढ़ाता है है ना थोड़ा सा ढंग के बात कर लिया करो क्यों पढ़ा रहे हो है ना आपके हिसाब से तो हम चल नहीं रहे हैं हम अपने हिसाब से चल रहे हैं इनकनवीनियंस की वजह से नहीं मिला होगा आपको पीडीएफ मानते हैं है ना हमारे पास लाखों बच्चे हैं जो पीडीएफ आपको सबको मिल जा रहा है आपको हो सकता है किसी गड़बड़ी की वजह से नहीं मिल पाई होगी या टाइम इधर उधर हो गया इसका मतलब आप ऐसे बात करोगे ना कौन सा पीडीएफ नहीं मिला है जरा बताओ भैया चलिए चलो दोस्त ठीक चलिए भैया आओ आओ अगला प्रश्न कर बासुरी पर डॉट के एक रेक कोड का उपयोग किया जाता है तो बासुरी होती है वहाँ पर कुछ डॉट जैसा बनाया जाता है उसका काम क्या है मेरे प्यारे दोस्तों मस्त क्वेश्चन है बढ़िया पूछा जाता है तो याद रखिएगा कि बांसुरी पर डॉट के लिए एक रेक कोड का उपयोग किया जाता है ताकि क्या किया जाए ताकि बल आघूड़ का उपयोग करने के लिए ठीक उसको कम करने के लिए उपयोग किया जाता है ठीक तो ये बहुत अच्छा है है ना चलो भैया कह रहे सर आप कहाँ से हम लखनऊ से है भैया है ना चलिए सब होगा भैया ठीक है चलिए अगला है जिसको जो नहीं मिला है पीडीएम मैंने बोल दिया अभी आपको मिल जाएगा भाई साहब ठीक है आप परेशान ना होइए ठीक है मिल जाएगा आपको ठीक है अगला प्रश्न क्या कहता है कहता है कि भैया कि मीजो सेल कहाँ पाई जाती है तो बढ़िया क्वेश्चन है मीजो मीजोफिल कोशिकाओं में क्या होता है तो आपको याद रखना है यही मीजोफिल सेल है इसी में क्या होता है फोटोसिंथेसिस होता है क्या होता है फोटोसिंथेसिस होता है ये आपको याद रखना है प्रकाश संश्लेषण जो होता है वो कैसी कोशिकाओं में होता है मीजोसिल्स में होता है तो याद रखिएगा मेरे पास मस्त क्वेश्चन था कोई दिक्कत वाली बात नहीं है कोई बात नहीं है चलिए भाई साहब आओ अगला प्रश्न देखते हैं अगला प्रश्न कोर्स का पीडीएफ मिल जाएगा दोस्त दिक्कत वाली बात नहीं अवर कुमार धन्यवाद भैया अगला प्रश्न क्या कहता है पीतल किसका मिश्र धातु है ब्रास जो है वो किसका मिश्र धातु है बढ़िया क्वेश्चन है भैया इंपॉर्टेंट भी होता है इस तरह के प्रश्न तो जल्दी से बता दो भैया कि पीतल किसका मिश्र धातु है मस्त क्वेश्चन एकदम झनाझन ज़न प्रश्न है भैया जितेन्द्र दास धन्यवाद भैया लव यू लव यू जगन चलिए जल्दी आंसर दो भाई साहब जल्दी आंसर दो तो पीतल या ब्रास किसका है मेरे प्यारे दोस्तों फटाफट आंसर दो भैया कॉपर और जिंक का है है ना हा, चलिए हाँ सही है सही है भैया चलो भाई साहब तो कॉपर और जिंक का जो है वो क्या है मिश्रण ही है कौन पीतल तो कॉपर और जिंक का मिश्र धातु क्या है पीतल है अगला प्रश्न क्या कहता है कॉपर सल्फेट का रंग कैसा होता है तो आपको बताना है कॉपर सल्फेट का रंग कैसा होता है देखो भैया कॉपर सल्फेट का रंग जो है वो इसको कॉपर सल्फेट को हम बोलते ही हैं नीला थोथा क्या बोलते हैं नीला थोथा बोलते हैं क्या बोलते हैं नीला थोथा बोलते हैं या बिलू बिट्रॉल बोलते हैं क्या बोलते हैं बिलू बिट्रॉल बोलते हैं तो इनका रंग कैसा होगा नीला होगा क्योंकि आपको पता है कॉपर सल्फेट को ही नीला थोथा या बिलू बिट्रॉल बोला जाता है तो नाम से ही पता चल जा रहा है कैसा है ठीक है चलिए हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल बहुत सही है सब पढ़ते रहिए विवेक राज जो पढ़ रहे हैं वो सब अच्छी है ठीक है सारी बुक अच्छी होती है बस आप उसको पढ़ने का तरीका सही होना चाहिए अगला है चाय बनाने के लिए चाय बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है चाय सॉरी चाय बनाने के लिए टी बैग का उपयोग किया जाता है अब ध्यान से समझिएगा सब लोग है ना ये है ये क्या है भैया चाय का कप है है ना इस कप में देखा होगा टी बैग होता है ऐसे डाल के लोग पीते नहीं ऐसे टी बैग को हिलाते डुलाते हैं ऐसे है ना चार ये अंग्रेज जो थे हम आपको बताते हैं बढ़िया बात ये अंग्रेज जो थे ये सब बहुत होशियार थे बहुत होशियार थे इंडिया को बबुआ बना के चला गया इंडिया को क्या कर दिया बबुआ बना के चला गया है ना बहुत बकलोल आदमी रहा अब हुआ क्या कि वो लोग चाय हम लोग पे जवान पे चढ़ा दिए उसका टेस्ट और अपना चाय नहीं पीते थे पीते थे तो बहुत होशियारी के साथ चाय पीते थे जब हम लोग को नशा लग गया चाय का तो वो चाय बेचने लगे है ना ठीक है तो आपको बताना है कि मेरे प्यारे दोस्तों चलिए परसार डी इज द करेक्ट आंसर डी इज द करेक्ट आंसर इसको याद रखिएगा देखिए क्या है मामला इसको समझिएगा ठीक देखिए डिफ्यूजन क्या होता है चाय का मालिक्यूल वाटर में डिफ्यूज हो जाता है वाटर में क्या हो जाता है डिफ्यूज हो जाता है। फैल जाता है, है ना और फैलने की क्रिया सिर्फ दो ही में होती है गैस में होती है, दूसरा लिक्विड में होती है ठीक तो याद रखिएगा डिफ्यूजन इज द करेक्ट आंसर ओके चलो भैया अगला प्रश्न क्या निम्नलिखित में कौन सा रसायन खाना पकाने और पौधे के विकास के लिए नियमन में मदद करता है बढ़िया क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा रसायन खाना पकाने और पौधे के नियमन में मदद करता है पहला है मेरे प्यारे दोस्तों इथेफोन दूसरा तीसरा आपका आइसो प्रोट्यूरान और चौथा आपका मैथिलियन बताओ भैया मैलथियन बढ़िया क्वेश्चन ए इज द करेक्ट आंसर चलिए तो आपको पता है इथेफोन इथेफोन इज द करेक्ट आंसर इथेफोन इज द करेक्ट आंसर भैया लल्लन टाप आप बहुत अच्छा बढ़ाते लल्लन टाप देखिए यूथ की बुक पर आप प्रैक्टिस करिए वो बहुत अच्छी बुक है और बहुत सारा जानकारी उसमें आपको दिया गया है ठीक है चलो आइए तो इथेफॉन इज द करेक्ट आंसर अगला प्रश्न क्या आधुनिक आवर्ड़ी में अठारह समूह और सात आवर्त होते हैं उस तत्व की परमाणु संख्या क्या होगी जो दूसरे समूह के चौथे आवर्त में होंगे तो बिल्कुल सही बात है भैया जो खड़ी खड़ी लाइन है वो खड़ी खड़ी लाइन क्या कहलाती है मेरे प्यारे दोस्तों ग्रुप कहलाता है और जो लेटी हुई लाइन है वो क्या कहलाता है मेरे प्यारे दोस्तों आवर्त कहला तो इसकी संख्या लेटी हुई लाइन की संख्या सात मतलब आवर्त सात है और खड़ी हुई लाइन की संख्या आठ है तो पूछा किसका है किसी तत्व की परमाणु संख्या है ना उस तत्व जो दूसरे समूह एक और दूसरे समूह और आवर्त कितने होंगे मेरे प्यारे दोस्तों तो एक दो तीन और चौथे आवर्त में तो आपसे पूछा जाएगा यहां पर किस तत्व को रखा जाएगा तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था कोई दिक्कत वाली बात नहीं है भैया तो यहां पर खत्म होता है अठारह उन्नीस और बीस हो जाएगा कौन हो जाएगा भैया बीस तो बीस इज द करेक्ट आंसर जिसका एटॉमिक नंबर बीस होगा उसको यहाँ पर रखा जाएगा ठीक है तो ये बात आपको याद रखना है अट्ठारह के बाद कितने हो जाएंगे दो ही तो होंगे भैया अट्ठारह उन्नीस और बीस हो जाएगा ठीक चलो भैया अगला प्रश्न है उष्मा गतिकी का पहला नियम क्या बताता है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक सबको बता है यार ऊर्जा संरक्षण का नियम तो याद रखिएगा उष्मा गतिकी का पहला नियम थर्मोडाइनामिक का जो है पहला नियम है ऊर्जा संरक्षण का नियम या कह सकते हो एनर्जी कंजर्वेशन ला कहलाता है ठीक तो बहुत ही आसान है हम लोग थर्मोडायनामिक का तीनों लॉ पढ़ते हैं उसी में पहला नियम ऊर्जा संरक्षण का नियम है उसी को फॉलो कर रहा है अगला प्रश्न का समान परमाणु क्रमांक वाले न्यूक्लियाइड को क्या कहा जाता है आपको बताना है कि जिनका एटॉमिक नंबर सेम है जिनका एटॉमिक नंबर सेम होता है उनको पीरियोडिक टेबल में कहाँ रखा जाता है सेम प्लेस पर रखा जाता है कहाँ रखा जाता है भैया सेम प्लेस पर रख और जिसको सेम प्लेस पर रखा जाता है उनको क्या बोलते हैं मेरे प्यारे दोस्तों आइसोटोप्स बोलते हैं क्या बोलते हैं भैया आइसोटोप्स बोलते हैं या समस्थानिक बोलते हैं या क्या बोलते हैं भैया समस्थानिक तो याद रखिएगा समस्थानिक उनको कहते हैं जिनके परमाणु क्रमांक क्या होते हैं समान होते हैं चलो भैया बढ़िया क्वेश्चन था अगला प्रश्न स्पंज क्या है आपको बताना है स्पंज क्या है मस्त क्वेश्चन है भाई साहब सभी लोग को पता होना चाहिए कि स्पंज क्या है व्हाट इज ए स्पंज तो आपको पता है स्पंज जो है वो फाइलम पोरिफेरा का एक जंतु है क्या है भैया फाइलम पोरिफेरा का एक जंतु है किसका भैया फाइलम पोरिफेरा का एक जंतु है तो यहां पर लिख लीजिएगा एक जानवर है बहुत बढ़िया है भैया सारी चीजें पेड़ क्लास आने वाली है साइंस की है ना बहुत बढ़िया याद रखिएगा भैया मज़ा आ जाएगा नहीं नहीं ये तो टेस्ट का करार है बाकी हमारी साइंस की क्लास जैसे चलती थी वही चलेगी है ना ये बात आपको याद रखिएगा पौधा नहीं विवेक राज गलत बात है ये ठीक है देखिए मेरे प्यारे दोस्त साइंस की पेड़ क्लास बहुत जल्दी आने वाली है आप लोगों के लिए मस्त होगा बहुत बढ़िया चलो भाई साहब चलिए भैया नहीं नहीं पेपर तो हार्ड नहीं लग रहा था हमको खैर कोई बात नहीं सफ़ेद कपड़े काले कपड़े की तुलना में ठंडे क्यों होते हैं <laughs> ये कोई क्वेश्चन है भाई साहब बकलोल टाइप का प्रश्न है देखिए बहुत लोग क्या करते हैं गर्मी में जो है एकदम से करिया कपड़ा पहन के चले जाते हैं पार्टी में काला कपड़ा पहन के चल अब उनको भौतिक विज्ञान का नियम ही नहीं पता है काला कपड़ा पहन के जाएंगे पार्टी में खा रहे होते बिरयानी और मत, पनर, पनीर मटर ये सब खा रहे होते और पसीना ऐसे पोछ रहे होते हैं इसे करके और जो बचवा होशियार है फिजिक्स थोड़ा सा जान रहा होता है वो क्या करता है श्वेत वस्त्र धारण करके जाता है सफेद पहन के जाता है मेरे प्यारे दोस्तों है ना सफेद कपड़ा क्यों क्योंकि दोनों बातें यहाँ पर जान लीजिएगा कि काला कपड़ा उषमा का अच्छा एब्जॉर्बर माना जाता है हीट का अच्छा अवशोषक माना जाता है जबकि सफेद कपड़ा उषमा का परावर्तक माना जाता है है ना तो इसमें लिखा हुआ है कि वे संपूर्ण प्रकाश को क्या कर देते हैं परावर्तित कर देते हैं है ना आजकल देखिए हम देखते हैं हमारे गांवों के हमारे जो है लखनऊ के आसपास में देखते हैं चलिए चलिए बहुत लोगों को मैंने देखा है ना क्या करते हैं लड़कियां ज्यादातर चुप चुप ऐसे छतरी काली काली लेकर ऐसे तुम 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 चली जाती है अब काली काली छतरी देख और छतरी के नीचे जो बबनी होती है वो बबनी को देखे एकदम आई रहती हैं और गर्मी के मारे एकदम पसीना निकल रहा होता है अब बबनी को फिजिक्स पढ़ाए तो बता दे बबनी काला छतरी लेकर ना जाया करो काला छतरी लेकर जाओगी तो वो उषमा का अच्छा अवशोषक माना जाता है आपको बहुत गर्मी देगा वो एकदम परेशान हो जाओगी है ना अब जो बबुनी होशियार है फिजिक्स पढ़े हैं वो चश्मा जब वो खरीदती है छाता तो देख लेती हैं कि ऊपर वाला भले ही काला रहे नीचे वाला भला ही काला रहे ऊपर वाला क्या रहे सफ़ेद रहे क्योंकि प्रकाश पड़ेगा रिफ्लेक्ट होकर चला जाएगा है ना चलो भैया तो ये भी याद रखना है या प्रैक्टिकल है सारी चीज़ें बस हंस खेल के आप विज्ञान सीख लो यही चीज़ें हैं हम हमको हंसाने खिलाने के लिए ही सिखाने के लिए ही ऐसा काम करते हैं चलो भैया अगला प्रश्न क्या कहता है निम्नलिखित में से किसका द्रव्यमान अधिकतम होता है तो आप बहुत आसान है ये चीज़ें हम बताएंगे नहीं भैया सबको पता है न्यूट्रॉन का द्रव्यमान सबसे ज़्यादा होता है अगला प्रश्न क्या है फॉर्मिक एसिड किसके द्वारा निकाला जाता है है ना चलिए भैया फॉर्मिक एसिड किसके बारे में जो है फॉर्मिक एसिड जो है वो किससे निकलता है तो लाल चीटी से फॉर्मिक एसिड निकलता है ये हमको भी पता है सबको भी पता है मेथनोइक एसिड भी कहा जाता है इसे अगला प्रश्न है पृथ्वी क्या है अच्छा क्वेश्चन है भैया अच्छा क्वेश्चन है सब बढ़िया क्वेश्चन है मचा दीजिए आंसर दीजिए भाई साहब बहुत बढ़िया क्वेश्चन है अर्थ इज़ गर्मी का अच्छा अवशोषक है गुड ऑब्जॉर्बर ऑफ हीट गर्मी का बुरा अवशोषक है बैड ऑब्जॉर्बर ऑफ हीट गर्मी का खराब अवशोषक या गर्मी का जो खराब रेडिएटर है या गर्मी के अच्छा अवशोषक तो क्या है मेरे प्यारे दोस्तों गर्मी का खराब और और गर्मी का खराब रेडिएटर है दोनों चीज़ें इसमें सही हैं अगला प्रश्न है कैल्शियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है बढ़िया क्वेश्चन है मस्त क्वेश्चन है भाई साहब सभी लोग बताइए कैल्शियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा कैल्शियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा बढ़िया सा क्वेश्चन है सभी लोग आंसर दीजिए मज़ा आ जाएगा भैया सभी लोग इसका आंसर दीजिए मज़ा आ जाएगा भैया बढ़िया क्वेश्चन है तो आपको पता है ट्वेंटी होता है ट्वेंटी मतलब क्या हो जाएगा मैं दो आठ आठ दो हो जाएगा दो आठ आठ दो हो जाएगा बीज द करेक्ट आंसर ठीक चलिए अगला प्रश्न देखते हैं अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन सी मछली है या सच्ची मछली विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रू फिश तो डॉग फिश याद रखिएगा डॉग फिट को बोलते स्कॉलियोडॉन बोलते क्या बोलते भैया स्कॉलियोडॉन बोलते और स्कॉलियोडॉन जो है वो क्लास पिस्सीस में आती है किस में आती है भैया क्लास पिस्सीस में आती है और मत्स्य वर्ग में जो आती वही मछली कहलाती बाकी सारी चीजें बेकार है सिल्वर फिश स्टर फिश कटल फिश ये सब मत्स्य वर्ग में नहीं आती है चलो भैया अरे यार तो सभी दोस्तों को एक ट्रिक बताने आ गया हूं एक बहुत ज़बरदस्त ट्रिक है जो आपकी परीक्षा में अमूमन पूछा जाता है और ऐसा प्रश्न है जो हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं वो है ग्रीन हाउस इफेक्ट को लेकर है कि आखिर ग्रीन हाउस इफेक्ट को कौन कौन सी गैसेस हैं जो इफेक्ट करती हैं मतलब ओरजन लेयर जो है स्ट्रेटो स्पेयर पर पे पाई जाती है जिसको डिप्लीट कर दी जाती है या उसका क्षय कर दिया जाता है जिसकी वजह से सूर्य का प्रकाश जो है जिसमें अल्ट्रा रे ट्रेस पाए जाते हैं और अल्ट्रावायलेट ट्रेस ह्यूमन बॉडी के लिए इफेक्टिव साबित होती है या कह सकते हो स्किन कैंसर जनरेट कर देगी तो मेरे प्यारे दोस्त इस बात को ध्यान से समझिएगा देखिएगा क्या मामला है जरा एक बार ट्रिक में आपको हम समझाते हैं कि मामला क्या है मेरे प्यारे दोस्त समझिएगा पूछा जाएगा कि भैया ग्रीन हाउस गैस कौन कौन सी है कोई बताएगा ग्रीन हाउस गैस कौन कौन सी है कोई अच्छा बच्चा है जो बता दे ग्रीन हाउस गैस कौन कौन सी है सब लोग बताओ कौन है भैया ग्रीन हाउस गैस कौन कौन सी है बहुत बढ़िया लाल जी ला लाल जी ललवी अच्छा भैया बताओ भैया बहुत बढ़िया जबरदस्त जिंदाबाद बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया ऐसा चुटकी में हम आपको तरीका बताएंगे मजा आ जाएगा भैया बढ़िया क्वेश्चन है बहुत अच्छा बहुत बढ़िया बात हम आपको आज बताने जा रहे हैं कभी जिंदगी में ऐसे प्रश्न गलत नहीं होंगे भैया सभी आपको पता है कौन सा है क्या है बढ़िया क्वेश्चन सभी लोग बताइएगा ग्रीन हाउस गैसेस कौन कौन सी हैं जल्दी बताओ भैया ग्रीन हाउस गैस कौन कौन सी है सब लोग बताओ भैया ग्रीन हाउस गैस चलो भैया ट्रिक में याद करो भैया ट्रिक में याद करो भैया बहुत बढ़िया देखो ये है मीना ये है मीना और काफी सुंदर भी है मीना और जब काफी सुंदर हैं तो जाहिर सी बात है इनका तो जलवा हो ही जाएगा तो मीना का जलवा मीना का जलवा भैया है ना तो याद रखेगा मीना का जलवा है भाई साहब तो याद रखो भैया मी का मतलब होता है मीथेन ना का मतलब है नाइट्रोजन के ऑक्साइड नाइट्रोजन के ऑक्साइड और का का मतलब होता है कार्बन डाइऑक्साइड जा का मतलब होता है जल, वाष्प, वाटर वेपर तो मीना का जलवा मीना का जलवा और मीना निकल गई कलवा हाँ चलिए गोरी है इसीलिए मीना का जलवा है ठीक है तो इस बात को याद रख ले। इसके अलावा और भी सारी बहुत अच्छे गैस हैं है ना जैसे फॉर एग्जांपल सी सी हो गया ना ओजोन खुद ही हो गया है तो बहुत सारे लेकिन कुछ जो एग्जाम में पूछे जाते हैं मीथेन दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड तो इसको याद कर लीजिएगा भैया ठीक है चलो भैया सब लोग याद कर लो मजा आ जाएगा भाई साहब ठीक है चलिए भैया जबरदस्त जिंदा हे, हे, क्या भाई मुन्ना क्या बात है बहुत बढ़िया बहुत बहुत धन्यवाद राजा चलिए चलिए <laughs> हमको मीना नहीं पसंद है आपको याद हो जाए तो मीना पसंद है चलिए मिथेन नाइट्रोजन ऑक्साइड चलिए कार्बन डाइऑक्साइड मीना का जलवा चारों तरफ से है तो सबको याद हो जाएगा भाई साहब सबको याद हो जाएगा चलिए चलो भाई साहब सबको याद हो जाएगा चलो भाई साहब कोई बात नहीं है तो दोस्तों मिलते हैं आप लोग से थोड़ी देर में अभी फिर आने वाले हैं ठीक है वो भी आपको मिल जाएगा अगला जीएस का जो सेशन है वो स्टार्ट होने वाला है तब तक के लिए धन्यवाद गुड मॉर्निंग नमस्कार आदाब सत श्री राधे राधे जय श्री कृष्णा बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म एम डी क्लासेस पर वाह क्या बात है क्या बात है बहुत भारी संख्या में सभी लोगों की लाइव संख्या दिख रही भैया क्या बात है गजब ये तो बड़ी बड़ी बेहतरीन बात है कि ऑलरेडी जो है आठ डिसलाइक आपने ठोक डाले हैं मतलब क्या मैं दो मिनट देर से आया हूं इसलिए डिसलाइक ठोका पड़ा है या कोई और बात है क्या बात है अरे रोहित जी बंगाली साहब जी क्या बात है रवि जी सोनिया जी अरुण जी गोरखपुरी बबुआ भी आ गया दीपक जी नर्जल जी क्या बात है अरे क्या बात है शिवनाथ बाबू तुम भी हो क्या बात है अमरेंद्र जी आर आर जी चंद्रशेखर जी रंजन जी रंजय जी दीपक जी क्या बात है नित्यानंद जी अरुण जी क्या बात है सम्राट जी गजब गजब सब लोग ठोके पड़े रहो अरे गजब हम हीरो लग रहे हैं कौन सा वाला अब हम पूछ लेंगे कौन सा हीरो लग रहे हैं तो कहोगे सर वो दक्षिण भारत वाला जो दक्षिण वाला वो जो धनुष है वो एक तरह लग रहे हैं गजब गजब जी के हार्ड था अच्छा जी के हार्ड था कौनो हार्ड नहीं था तो देखो अबे मजा आएगा जनरल स्टडीज है ना जनरल स्टडीज सामान्य अध्ययन को आज इस तरह से धोएंगे इस तरह से धोएंगे कि मजा आ जाएगा हाँ साउथे वाला बताना अबे धनुष का नाम ले लेना ठीक है चलो गजब की बात है भैया ठीक है पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दनदनाता हुआ अब पहले लाइक like ठोको ऐ देखो जैसे हमने कहा आठ डिसलाइक ऑलरेडी है वैसे तीन डिसलाइक और ठोक दिया ये बहुत अच्छा काम किया ये बहुत अच्छा काम किया पहले लाइक ठोको लाइक है लाइक like ठोको डिसलाइक वाली अच्छी बात नहीं है डिसलाइक वालों क्या बिगाड़ रखा है एम क्लासेस ने आपका भाई है ना कुछ ना कुछ बेहतरीन फ्री में दे ही रहे हैं लो देखो गजब का क्वेश्चन है किस साल तक भारतीय रेल का लक्ष्य है कि सभी ब्रॉडगेज पटरियों को 90 परसेंट विद्युत किया जाए तो भैया ध्यान से सुनो आज का जबरदस्त क्वेश्चन क्वेश्चन क्या है पता है पता लो भैया अरे गजब अरे वाह डिसलाइक वालो गजब धनुष लग रहे हैं ना क्या बात है हमारा ड्रेस चमक रहा है ना ब्राइटनेस ज्यादा चलो अब काम की बात कर ले नहीं तो लोग कहेंगे सर बकैती बहुत करते हैं बकैती अब कम करेंगे काम की बात देखो काम की बात यह है कि बाई विच द इंडियन रेलवे टू है इलेक्ट्रीफाई नाइंटी परसेंट ऑफ ऑल ब्रॉड गेज ट्रैक्स देखो भैया ये है दो हजार ठीक है दो हजार जरा पूरी बात सुनिएगा यह तो 90 परसेंट विद्युतीकरण की बात पूछ रहा है ना मतलब 90 परसेंट इलेक्ट्रीफाई करने की बात कह रहा है तब आप दो हजार बता रहे हैं लेकिन मान लीजिए 100 परसेंट पूछे तब क्या बताएंगे तो बबुआ 100 परसेंट पूछे तो 2023 बताना क्या बताना 2023 अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछे कि भारत सरकार ने किस वर्ष तक भारत के भारत सरकार ने किस वर्ष तक गेज रेलवे लाइन को हंड्रेड है ना इलेक्ट्रीफाई करने का है ना क्ष रखा है तो 2023 बताएंगे और सुनिए अगर आपसे कहा जाए भारत का पहला पहला पूर्णतः पहला पूर्णतः जोन अगर आपसे यह पूछ ले भारत का पहला विद्युतीकृत रेलवे जोन तो क्या बताएंगे भैया भारत का पहला पूर्णतः विद्युतीकृत रेलवे जोन कौन सा है पश्चिम मध्य रेलवे कौन सा है पश्चिम मध्य रेलवे याद रखिएगा पश्चिम मध्य रेलवे भारत का पहला विद्युतीकृत रेलवे जोन है पूरी तरह से है ना दो हजार तक 90 परसेंट का टारगेट था 2023 तक का 100 परसेंट का टारगेट है और सुनो और एक क्वेश्चन सुनो एक क्वेश्चन यह हो सकता है कि राष्ट्रीय रेल योजना को किस वर्ष तक पूरा करने का लक्ष्य है तो राष्ट्रीय रेल योजना का लक्ष्य क्या है 2030 है बाबू कितना है 2030 है इसको भी मगज में छाप लो ठीक है पेपर में क्वेश्चन छपे तो धुआं धुआं करके आ, आना ठीक है चलो भैया अगर डिस्कशन है ना डिस्कशन मजेदार लगे तो डिसलाइक वापस ले लेना नहीं तो चार छह दस डिसलाइक और ठोक देना चलो देखो क्वेश्चन है साढ़े छाछ डिग्री उत्तरी आछांश क्या दर्शाता है 66.5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड मार्क्स व्हाट देखो भैया यहाँ बड़ी सिंपल सी बात है कि जब इस तरह से आप ग्लोब पर देखते हैं क्या ये आपको पता है ये क्या है ये जीरो डिग्री आछांश रेखा है ये क्या है ये साढ़े डिग्री उत्तरी आक्षांश रेखा है ये क्या है ये साढ़े छाछठ डिग्री है ना उत्तरी आक्षांश रेखा है है ना और इसके नीचे आप आएंगे तो ये साढ़े तेईस डिग्री क्या है साउथ आक्षांश रेखा है और ये साढ़े छाछठ डिग्री है ना दक्षिणी आक्षांश रेखा है अब देखिए क्या होता है यहाँ पर आप देखेंगे तो इसको आप क्या कह लेते हैं भूमध्य रेखा कह लेते हैं इसको क्या कह लेते हैं कर्क रेखा कह लेते हैं क्या कह लेते हैं कर्क रेखा कह लेते हैं इसको इसको क्या कहते है? इसको आप कहते हैं हैं आप वृत्त आर्कटिक वृत्त कहते हैं आप इसको ठीक है और इसको क्या कहते हैं मकर रेखा और इसको क्या कहते हैं इसको कहते हैं अंटार्कटिक वृत्त क्या कहते हैं अंटार्कटिक वृत्त ठीक है भैया तो अब आराम से आप क्वेश्चन का जवाब दे सकते हैं कोई समस्या नहीं है क्या पूछा है उत्तरी पूछा है कितना तो साढ़े छाछठ डिग्री तो ये वाला पूछ रहा है तो आर्कटिक जवाब होगा ये रहा ऑप्शन में ठीक है भैया नॉर्थ आर्कटिक सर्कल ठीक है भाई <laughs> टेस्ट भैया गोरखपुरी बबुआ जी टेस्ट जो होता है वो एप्लीकेशन में होता है एमडी क्लासेस ऑफिशियल एप्लीकेशन आपको डाउनलोड करना पड़ेगा गूगल प्ले स्टोर से भाई लोग है ना लाइक दबा के ठोकते रहो और इसका स्क्रीनशॉट लेना हो ले लो फिलहाल अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन क्या है दिए गए विकल्पों में से है ना निम्नलिखित शब्दों का सार्थक क्रम आपको बताना है विच वन ऑफ द गिवेन रिस्पॉन्स ना वुड बी अ मीनिंगफुल ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स देखो भैया एक्चुअली मैं आपको बताना है कि जो हिस्ट्री है ना इतिहास में कौन सा युग पहले आया ठीक है तो आप देखिए इतिहास में पाषाण युग पहले आया है कि नहीं इतिहास में पाषाण युग पहले आया ठीक है हाँ ध्यान दीजिए ये जो है आपका इतिहास में पाषाण युग मतलब स्टोन एज पहले आया उसके बाद क्या आया उसके बाद आपका आया भाई धातु युग क्या आया धातु युग आया उसके बाद क्या आया उसके बाद आपका आप समझिए ये? ये आया मिश्र धातु युग ठीक है और तब जाकर ये आया आपका अणु युग समझिएगा एक्चुअली में इसका जवाब जो होगा वो हो जाएगा आपका क्या तीन दो चार एक तीन दो चार एक इसका जवाब है अब जरा इसको समझिए कि इसका कह क्या रहा है भाई इंसान ने सबसे पहले किसका इस्तेमाल किया था स्टोन का आदि मानव किसका इस्तेमाल करता था स्टोन इस का इस्तेमाल करता था ठीक है और उसके बाद जो पहली धातु है ना जो पहली धातु इंसान ने यूज की थी वो कौन सी थी कॉपर थी कौन सी थी कॉपर थी जिसे आप क्या कह सकते हैं तांबा कह सकते हैं तो मानव द्वारा इस्तेमाल की गई पहली धातु तांबा थी ठीक है तो भैया पहले स्टोन का यूज होता था उसके बाद धातु का है ना धातु की खोज हुई तो किसका है हाँ, ना किसका यूज होने लगा कॉपर का यूज होने लगा ठीक है भैया अब उसके बाद क्या हुआ कि इस कॉपर में तांबा मिलाकर इस कॉपर में तांबा मिलाकर क्या बना दिया गया टीन बना दिया गया क्या बना दिया गया तीन बना दिया गया ठीक है और ये हो गई क्या मिश्र धातु तो ये आई आपके है ना तीसरे नंबर पर और लास्ट में आया अणु युग जब एटम्स वगैरह की खोज हुई ठीक है आई होप कि आप ये सीक्वेंस समझ पाए होंगे ठीक है हाँ, बिल्कुल ये टेस्ट एप्लीकेशन पर होता है क्लासेस ऑफिशियल जो हमारा एप्लीकेशन है आपको प्ले स्टोर से डाउनलोड करना है क्या बताना है इस सोल्स क्या है ना कहाँ पाया जाता है स्पोडोसोल्स आर फाउंड इन देखो भैया जो स्पोडोसोल्स होते हैं जो स्पोडोसोल्स होते हैं एक्चुअली में स्पोडोसोल्स है ना इज अ टाइप ऑफ सॉइल ठीक है इज अ टाइप ऑफ सोइल ये एक प्रकार की मिट्टी होती है जो कि एसिडिक होती है है ना कैसी होती है एसिडिक होती है और एसिडिक वजह एसिडिक होने की वजह से इनफर्टाइल होती है ठीक है भैया इनफर्टाइल होती है मतलब अन होती है उर्वरता इसमें नहीं होती है और तीसरी चीज़ इसमें एलमोनियम और आयरन ज़्यादा होता है एलमोनियम और आयरन ज़्यादा होता है ठीक है भैया तो कुल मिला के ये समझना है और यह उत्तरी संकुधारी वनीय क्षेत्रों में पाई जाती है अमेरिका में इसका विस्तार साढ़े तीन प्रतिशत क्षेत्र पर मिलेगा ठीक है बिल्कुल विवेक जी ठीक है वाह क्या बात है संदीप जी गजब गजब पैंसठ ले आए सौ में से बहुत अच्छा काम किया अगला देखिए क्या क्वेश्चन है इन समितियों के गठन पंचायती राज संस्थाओं को सौंपे जाने वाले ढांचे शक्तियों और कार्यों का अध्ययन करने के लिए किया गया था इनका काल क्रमानुसार बताना देखो भैया सिंपल सा क्वेश्चन है दरअसल में जो लोकल बॉडीज होती है लाइक पंचायतें और म्यूनिसपालीज ठीक है तो पंचायतों और म्यूनिसपालीज से रिलेटेड ये संस्थाएं हैं आपको बताना है कि इनमें से ये जो संस्थाएं हैं इनका सही क्रम क्या है कौन सी संस्था पहले गठित हुई उसके बाद कौन सी गठित हुई और उसके बाद कौन सी गठित हुई यही सीक्वेंस आपको इसमें बताना है ठीक है भैया तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ढंग का क्वेश्चन है जवाब दीजिए बढ़िया क्वेश्चन है आइए एक एक करके देख लिया जाए कि कैसे आपको इसको समझना है देखो भैया सबसे पहले तो बलवंत राय मेहता समिति इसका गठन हुआ था उन्नीस में 1956 में बलवंत राय मेहता समिति का गठन हुआ था उन्नीस में ठीक है अच्छा क्या नहीं आया है सोनिया जी ठीक है तो 1956 में गठन हुआ था 1957 में रिपोर्ट आई थी और इसी बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पर त्रिस्तरीय पंचायत राज व्यवस्था को भारत में लागू किया गया था और देखिए यह संथानम समिति उन्नीस में गठित हुई थी ठीक है भैया अशोक मेहता समिति उन्नीस में गठित हुई थी और आपकी जो जी वी के राव समिति है यह उन्नीस में गठित हुई थी इसी तरह से एक समिति है एल एम सिंधवी समिति और एल एम सिंधवी समिति का गठन हुआ था कब उन्नीस में ठीक है उन्नीस में और ये सारी समितियां किससे संबंधित है ये सारी समितियां पंचायतों से संबंधित है ये सारी समितियां पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है तो सीक्वेंस के अकॉर्डिंग आप देखो भैया सीक्वेंस पूछा है तो सबसे पहले बलवंत राय आएंगे मतलब तीन ठीक है तो इसमें देखिए ये इन दोनों में तीन पहले है मतलब ये वाला और ये वाला विकल्प कट गया ठीक है मतलब ये दोनों नहीं हो सकता ठीक है और इसमें सबसे लास्ट में क्या है सबसे लास्ट में आप देखिए क्या है भैया पचासी मतलब जीवी के राव मतलब चार लास्ट में

ट्रिक है वेब में आऊं वेद क्या ट्रिक है वेब में आऊं वेद अब देखिए इस ट्रिक का फायदा क्या है भाई इस ट्रिक का फायदा यह है कि वे से क्या हो गया वेद बा से क्या हो गया ब्राह्मण ग्रंथ क्या हो गया ब्राह्मण ग्रंथ है ना आ से क्या हो गया आरण्यक आरण्यक से क्या हो गया उपनिषद उपनिषद और वेद से क्या हो गया वेदांग हो गया ठीक है भैया अब देखिए ये क्या है ये वैदिक साहित्य का क्रम है ठीक है ये क्या है ये वैदिक साहित्य का क्रम है भैया ठीक है वैदिक साहित्य का क्रम है मतलब वैदिक काल में है ना वैदिक काल में जो साहित्य लिखे गए जिन साहित्यों की रचना हुई आप देखेंगे तो उसमें सबसे पहले वेद फिर ब्राह्मण ग्रंथ फिर आरण्यक फिर उपनिषद और लास्ट में वेदांग की रचना हुई है ना अच्छा सुशील जी पासवर्ड नहीं बन पा रहा है तो एक काम करिए आप हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कर लीजिए हो जाएगा है ना हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करिए अच्छा संदीप जी भूगोल पढ़ाना मेरा बहुत अच्छा लगता है जल्दी मैं पेड बैच में भूगोल लेकर आने वाला हूं है ना जिसमें आपका जिन लोगों ने एसएससी जीडी का बैच ज्वाइन किया है या तहलका पढ़ रहे हैं उसमें जो है ज्योग्राफी जल्दी ही है ना लेकर आ रहा हूं भैया ठीक है हाँ सुशील जी बताइए क्या पूछना चाह रहे हैं आपका नंबर भी नहीं लग पा रहा है मेरा नंबर लेने लग पा रहा है अरे तुम तो मुझसे जुड़े हो तो मुझे फेसबुक वगैरह पे सर्च कर लो ना नंबर वहां से मिल जाएगा भैया हो सकता है आपके पास पुराना वाला नंबर हो चलिए ध्यान दीजिए तो भैया ये सब तरीका है।, है क्या आपको पता है कि भैया पहले वेद लिखे गए ठीक है पहले वेद लिखे गए और वेदों की मंत्रों वेदों में जो मंत्र लिखे गए उनकी व्याख्या ब्राह्मण ग्रंथों में की गई ठीक है और वेदों के अध्यात्म पक्ष का उल्लेख आरण्यक में किया गया ठीक है और जो हन भारतीय दर्शन है वो उपनिषदों में मिलते हैं और वेदांग में वेदों के समझने के तरीके को बताया गया है ठीक है भैया इसमें आरण्य का मतलब क्या होता है आरण्य का मतलब होता है जंगल तो ज्यादा परेशानी नहीं होना है आरण्य का मतलब जंगल होता है और क्वेश्चन भी यही पूछा गया है कि इसमें से क्या ऐसा है जो वनों में लिखा गया तो आरण्य का मतलब ही जंगल होता है ठीक है भाई तो सिंपल सा है चलिए आगे बढ़ा जाए हाँ बेहतरीन बेहतरीन अगला क्वेश्चन देखिए प्रसिद्ध अंबुबाची मेला कहां लगता है तो अंबुबाची जो मेला है ना फेमस अंबुबाची जो मेला है ये किस टेम्पल से रिलेटेड है आपको ये बताना है तो भाई साहब अंबुबाची मेला कामाख्या मंदिर से रिलेटेड है और कामाख्या टेम्पल जो है ये कहां पर स्थित है आसाम में स्थित है गुवाहाटी के निकट ठीक है भैया सिंपल सा क्वेश्चन है अगला देखिएगा ठीक है क्वेश्चन क्या है निम्नलिखित में से किसे राष्ट्र संघ के संस्थापक के रूप में जाना जाता है हु अमंग द फॉलोइंग इज रिगार्डेड एज द फाउंडर ऑफ लीग ऑफ नेशंस ध्यान दीजिएगा लीग ऑफ नेशंस भाई साहब लीग ऑफ नेशंस की स्थापना 10 जनवरी 1921 को हुई थी आप कहेंगे अरे 10 जनवरी 1921 जी हां 10 जनवरी 1921 को फर्स्ट वर्ल्ड वार के खात्मे के बाद फर्स्ट वर्ल्ड वार के खात्मे के बाद 10 जनवरी 1921 को लीग ऑफ नेशंस की स्थापना इस उद्देश्य से की गई थी कि अब कोई दूसरा विश्व युद्ध होने नहीं देना है लेकिन सबको पता है कि विश्व युद्ध दूसरा हुआ मतलब लीग ऑफ नेशंस जो 1921 में है ना वुडरो विल्सन द्वारा स्थापित किया गया था ये असफल रहा और इसके बाद सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ और वो सेकेंड वर्ल्ड वार आप देखेंगे उन्नीस से 45 तक हुआ इसी वजह से 1945 में इस युद्ध के खात्मे के बाद यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई ठीक है भैया तो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन अलग है लीग ऑफ नेशंस अलग है ठीक है भाई ये जो वुडरो विल्सन है ये कौन थे ये अमेरिका के प्रेसिडेंट थे है ना प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका थे ठीक है भैया तो अमेरिका के राष्ट्रपति वुडरो विल्सन को लीग ऑफ नेशंस का संस्थापक माना जाता है और सुनिए एक है फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट कौन है भैया फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट इनको क्या माना जाता है इनको यूएनओ का संस्थापक माना जाता है किसका संस्थापक यूएनओ का संस्थापक माना जाता है ठीक है भाई तो इसको आपको याद रखना है ठीक है वो अलग बात है कि जब यूएनओ की स्थापना हुई थी तो उस समय अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रू मैन थे जब यूएनओ की स्थापना हुई थी तो अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रूमैन थे ठीक है भैया लेकिन यूएनओ के संस्थापक फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट माने जाते हैं ठीक है दोनों में अंतर समझ गए एक क्वेश्चन आता है कि किसे युद्ध का किस संस्था को युद्ध का बालक कहते हैं तो याद रखिएगा लीग ऑफ नेशंस को क्या कहा जाता है युद्ध का बालक कहा जाता है क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वार जो हुआ पहला जो युद्ध हुआ इस युद्ध के बाद ही इस बालक का जन्म हुआ था जो कि असफल रहा अगला क्वेश्चन भारत का सर्वोच्च पर्वत कौन सा है तो भारत का जो हाईएस्ट पीक है देखो भैया भारत का हाईएस्ट पीक पूछा है तो आपको पता है कि भारत का हाईएस्ट पीक जो है वो गार्डविन आस्टिन है और गार्डविन आस्टिन कहाँ पर स्थित है काराकोरम श्रेणी में कहाँ पर स्थित है काराकोरम श्रेणी में है ना काराकोरम रेंज में जो गार्डविन आस्टिन स्थित है पीओके वाले क्षेत्र में यहाँ पर जो केटू है यही भारत की सबसे ऊंची चोटी है एंड ये जो आपका है ये सेकंड हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड है second highest peak in the world, है ना सेकंड हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड ठीक है यह भी आपको याद रखना है दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची चोटी भी यह है और एक बात अगर आपसे यही क्वेश्चन पूछे कि भारत का सर्वोच्च पर्वत बताइए और के टू ऑप्शन में ना हो तब आपको कंचन जंगा बताना है अगर के टू ऑप्शन में ना हो जो कि कहाँ पर स्थित है सिक्किम में स्थित है भैया ठीक है चलिए बाकी माउंट एवरेस्ट दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है और नंदा देवी उत्तराखंड की है ना उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी है ठीक है हालांकि केदारनाथ भी वही है ठीक है हाँ, बिल्कुल सीबीटी का टेस्ट क्यों नहीं होता अभिलाषा जी हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कर लीजिए पता चलेगा क्यों नहीं होता अब हम यहां क्या बताएं मैनेजमेंट जो कराता है वो कराता है इसमें हम क्या कर सकते हैं देखिए लोकसभा और राज्यसभा की सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु सीमा ठीक है एक्चुअली में क्या है आपको बताना है मिनिमम एज लिमिट है ना या रिक्वायर्ड मिनिमम एज रिक्वायर्ड टू बी एलिजिबल फॉर द मेंबरशिप ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा तो लोकसभा तो का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम उम्र सीमा 25 साल है और राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए 30 साल है ठीक है भाई तो इसका जवाब हो गया आपका ए ऑप्शन ठीक है और आप सभी जानते हैं आसान क्वेश्चन है ठीक है कोई बात नहीं विवेक जी है ना माउंट एवरेस्ट लगा दिया था अच्छा जल्दी में हो गया होगा निम्न में से कौन होम रूल आंदोलन का सचिव था देखिए जो होम रूल मूवमेंट था ठीक है क्या आपको बताना है होम रूल मूवमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन है है ना अब देखिए आपको पता है कि जो होम रूल लीग था होम रूल लीग जो है 1916 में शुरू हुआ था और यह होम रूल लीग एक तो एक तरफ तो तिलक ने भी चला रखा था और दूसरी तरफ एनी बेसेंट ने भी चला रखा था दोनों ने अपना अलग अलग होम रूल लीग चला ठीक है तिलक ने अपना शुरू किया था पहले अप्रैल दो हजार नौ उन्नीस सौ सोलह में और एनी बेसेंट ने बाद में शुरू किया था ठीक है तो तिलक और एनी बेसेंट दोनों का अलग अलग होम रूल लीग था ठीक है भैया अब इसमें आपको क्या करना है इसका अध्यक्ष आपको बताना है क्या सचिव तो कौन थे भाई जॉर्ज अरुणेल जो है ये सचिव सचिव थे है हाँ ना और ये जार्ज अरुंडेल किसके वाले होम रूल लीग के सचिव थे तो एनी बेसेंट वाले होम रूल लीग के सचिव थे ठीक है जबकि इसकी अध्यक्ष तो खुद खुद जो है एनी बेसेंट ही थी ठीक उसको आपको याद रखना अभिलाषा जी जीएस जी हम ले रहे हैं तो केवल जीएस का तो टेस्ट कराना नहीं है टेस्ट तो पूरे का होगा ना जब भी होगा केवल जीएस का होता तो हम करा देते ठीक है चलिए ध्यान दीजिए ठीक है हम बात करेंगे और टेस्ट जो है कब होगा ये तो जो है मैनेजमेंट बताएगा ठीक है हम <coughs> बहुत अच्छा पढ़ाते हैं आपका टीचर अच्छा बहुत अच्छा पढ़ाते हैं क्या बात है निर्मल जी बहुत बहुत धन्यवाद देखिए आगे देखा जाए आगे बढ़ा जाए देखिए भाई और याद रखिएगा होम रूल लीग जो है ये मुख्य रूप से मूल रूप से आयरलैंड का शब्द है ठीक है नहीं डेली टेस्ट नहीं होता है सैटरडे को होता है सैटरडे और संडे भराउत स्तूप किससे संबंधित है देखिए भैया जो भराउत स्तूप है आपको ये बताना है किससे रिलेटेड है तो इसका जवाब क्या है एक चीज समझिए जो आपको स्तूप याद रखने होते हैं इसमें आपको क्या क्या करना है पता है एक तो सांची का स्तूप याद रखिए कौन सा सांची का स्तूप ठीक है और दूसरा आपको याद रखना है भराहूत का स्तूप ठीक है भराहूत का स्तूप और बहुत करिए तो एक धम्मेक स्तूप याद रखिए कौन सा धम्मेक स्तूप याद रखिए ठीक है तो जो सांची का स्तूप है ये मध्य प्रदेश में है भराउत का स्तूप जो है ये भी कहाँ पर है ये भी आपका मध्य प्रदेश में भराउत का स्तूप सतना मध्य प्रदेश में है ठीक है और जो आपका ये आ, आ, क्या धम्मे स्तूप है ये सारनाथ में है अब आपको क्या करना है तीनों के बारे में जानना है जो सांची का स्तूप है यहाँ पर है ना एक लार्ज स्तूप है एक लार्ज स्तूप है और दो स्मॉल स्तूप हैं ठीक है तो भैया यहां ध्यान दीजिएगा कि सांची में दो बड़े दो छोटे जो स्तूप हैं ये बनवाया था किसने ये बनवाया था पुष्य मित्र सुंग ने किसने पुष्य मित्र सुंग ने लेकिन जो बड़ा वाला स्तूप है ये किसने बनवाया था अशोक ने बनवाया था किसने बनवाया था अशोक ने बनवाया था ठीक है बिल्कुल अनुजी ध्यान दीजिए बराउद का स्तूप भी जो है पुष्य मित्र सुंग ने बनवाया था ठीक है पुष्य मित्र सुंग ने बनवाया था जो कि भारतीय इतिहास का पहला ब्राह्मण शासक है और स्तूप को किसने बनवाया था अशोक ने बनवाया था जो आ गौतम बुद्ध के प्रथम उपदेश को है ना शो करता है मतलब दर्शाता है ठीक है भैया तो फिलहाल इसका जवाब क्या हो गया सुंग वंश ठीक है पहला ब्राह्मण वंश बिल्कुल बिल्कुल मीना जी है ना जय हाँ बिल्कुल जयंत जी बिल्कुल ध्यान दीजिए कौन सा वर्ष से दिल्ली सल्तनत की स्टार्टिंग आपको बतानी है जो दिल्ली डायनेस्टी है दिल्ली सल्तनत है ये कब स्टार्ट हुई तो सबको पता है कि 1206 में दिल्ली सल्तनत स्टार्ट हुई थी और कब खत्म हुई थी 1526 में खत्म हुई थी और दिल्ली सल्तनत में है ना कौन-कौन से वंश हुए इसके लिए आपको ट्रिक बता दे क्या हो जाएगा ट्रिक गुढ़ खाके तसले में गुड़ खाके तसले में तो ये सिंपल सी ट्रिक है और इस ट्रिक का फायदा क्या है कि गुड़ से हो जाएगा पहला वंश जो गुलाम वंश था दूसरा वंश कौन सा था खिलजी वंश था तीसरा तुगलक वंश है ना चौथा स से सैयद वंश था और पांचवा ल से लोदी वंश था जिसने दिल्ली सल्तनत पर हुकूमत किया है ठीक है <laughs> बिल्कुल अंजना जी बिल्कुल अंजन जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बिल्कुल. <laughs> थैंक यू थैंक यू लगे रहिए बिल्कुल आपका सपना साकार होने में अगर मैं थोड़ा बहुत योगदान दे पाया तो ये बहुत बड़ी बात होगी मेरे लिए देखिए सूचना एवं सार्वभौमिक पहुंच के लिए अंतरराष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है वेन इज द इंटरनेशनल डे फॉर द यूनिवर्सल एक्सेस टू इंफॉर्मेशन ऑब्जर्व ठीक है बढ़िया क्वेश्चन है बताइए कब मनाया जाता है भैया ये आपका बढ़िया क्वेश्चन है बताइए कब मनाया जाता है भाई या? या ठीक है तो सिंपल सा इसका जवाब क्या हो जाएगा ट्वेंटी एट सेप्टेम्बर ठीक है ये तो आपको रटना पड़ेगा इसमें कुछ खास अलग से नहीं है हाँ। अच्छा गुलाब खिले तो सबको मिले अच्छी बात है निम्नलिखित में से किस वायसराय के शासनकाल के अंतर्गत दूसरा और तीसरा गोल में सम्मेलन हुआ था देखिए बात हो रही है राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की देखिए जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस है ठीक है इसके बारे में मैं आपको बता दूं एक चीज सीधा सीधा राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस देखिए राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का मतलब क्या हो गया राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का मतलब हो गया गोलमेज सम्मेलन ठीक है गोलमेज सम्मेलन इसका मतलब हो गया अब मैं आपको बताता हूं तीन गोलमेज सम्मेलन हुए हैं ठीक है थेके? तीन गोलमेज सम्मेलन हुए हैं है, 1930 में 1931 में और 1932 में आप देखेंगे तो पहले वाले गोलमेज सम्मेलन के समय वायसराय कौन था लॉर्ड इरविन था कौन था भैया लॉर्ड इरविन था लॉर्ड इरविन था और दूसरे और तीसरे वाले के समय कौन था? वेलिंगटन था कौन था वेलिंगटन था ठीक है अब जरा ध्यान दीजिएगा तीनों गोल में सम्मेलन कहां हुए हैं सेंट जेम्स पैलेस सेंट जेम्स पैलेस मतलब एक होटल था वहीं पर हुआ था जो कि कहां पर था लंदन में था कहां पर लंदन में और तीनों का है ना उद्घाटन किसने किया था गोल में सम्मेलन का तो उद्घाटन किया था ब्रिटेन के सम्राट ने और ब्रिटेन के सम्राट उस समय कौन थे ब्रिटेन के सम्राट उस समय थे जॉर्ज पंचम और इन तीनों गोल में सम्मेलन के अध्यक्ष कौन थे तो भैया अध्यक्ष थे ब्रिटेन के प्रधानमंत्री जिनका नाम था रैमजे मैकडोनॉल्ड रैमजे मैक, मैक ठीक है रैमजे मैक डोनौल्ड. ठीक है अच्छा तीनों गोल में सम्मेलन में हिस्सा लिया है ना तीनों में हिस्सा ठीक है तीनों में हिस्सा तो अगर तीनों में हिस्सा लेने वाले की बात करेंगे तो डॉक्टर बी आर अंबेडकर डॉक्टर बी आर अंबेडकर ठीक है भैया तो यह पूरी बात आपको यहां पर बता दी और एकमात्र जिसमें कांग्रेस ने हिस्सा लिया एकमात्र है ना एकमात्र दूसरा में सम्मेलन था सेकंड था जिसमें है ना महात्मा गांधी हिस्सा लेते हैं या यू कह लीजिए कि इंडियन नेशनल कांग्रेस हिस्सा लेती है ठीक है चलिए आगे बढ़ा जाए हाँ दमदार तो भैया इसका जवाब क्या हो जाएगा लॉर्ड वेलिंगटन अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी निर्धारित करने की पद्धति नहीं है मतलब जीडीपी इसमें से किस बेसिस पर जीडीपी को डिसाइड नहीं किया जाता तो सिंपल सा है बचत पद्धति सेविंग अप्रोच पर जीडीपी को डिसाइड नहीं किया जाता जीडीपी दैट इज स्टैंड फॉर जहाँ क्या ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट ठीक है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में अगर हम योगदान की बात करें कि पूरे देश की जो जीडीपी है उसमें किस क्षेत्र का कितना योगदान है तो पहले नंबर पर आता है क्या तृतीय क्षेत्र दूसरे नंबर पर द्वितीय क्षेत्र और तीसरे नंबर पर आता है प्राथमिक क्षेत्र तो इसमें तृतीय क्षेत्र क्या है सर्विस सेक्टर क्या है सर्विस सेक्टर है ठीक है और द्वितीय क्षेत्र क्या है यह विनिर्माण क्षेत्र है विनिर्माण का मतलब इंडस्ट्रीज रिलेटेड कंपनीज से रिलेटेड और प्राथमिक क्षेत्र का मतलब एग्रीकल्चर और पशुपालन ठीक है भैया चलिए याद रखिएगा एकदम गजब अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन जनपद राजस्थान में स्थित था Which of the following, an was in तो जब आप आप महाजनपद काल, तो महा काल होता है कितने महाजनपद काल थे याद है सोलह महाजनपद काल थे जिनका उल्लेख किस जैन ग्रंथ में मिलता है और किस बौद्ध ग्रंथ में मिलता है यह अक्सर पूछा जाता है और आपने ध्यान दिया होगा कि जैन ग्रंथ कौन सा है भगवती सूत्र है जिसमें सोलह महाजनपदों का उल्लेख मिलता है और बौद्ध ग्रंथ कौन सा है आ, अंगूतर निकाय कौन सा कौन सा है भैया अंगूतर निकाय है कौन सा है अंगूतर निकाय है जिसमें उल्लेख मिलता है तो कई बार क्वेश्चन आता है किस जैन ग्रंथ में उल्लेख है किस बौद्ध ग्रंथ में उल्लेख है ये आपको अलग अलग याद रखना है इसमें से जो मत से था ये था था कहां पर स्थित राजस्थान में था, और इसकी राजधानी क्या हुआ करती थी इसकी कैपिटल उस समय हुआ करती थी विराट नगर क्या हुआ करती थी विराट नगर हुआ करती थी ठीक है भैया तो यह भी याद रखना है पांचाल कहां पर था यह उत्तर प्रदेश वाले क्षेत्र में था ठीक है कहां पर जो पीलीभीत और उसके आसपास का एरिया है कम्बोज कहां पर था तो ये आज का जो है ना उत्तर पश्चिमी पाकिस्तान और अफगानिस्तान का इलाका है वहां पर था ठीक है भैया अवंती कहां पर था तो अवंती उज्जैन के आसपास का इलाका था मध्य प्रदेश में ठीक है भैया तो ये हो गया एकदम गजब की बात अगला क्वेश्चन विश्व रेबीज दिवस प्रतिवर्ष है ना अट्ठाईस सितंबर को मनाया जाता है ठीक है किसकी की पुण्यतिथि के रूप में मनाया जाता है भैया देखो रेबिस से रिलेटेड कौन है लुई पास्चर रेबिस से रिलेटेड कौन है लुई पास्चर कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि रेबिस का टीका किसने खोजा था लुई पास्चर ने खोजा था तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है और लुई पास्चर जो है ये पाश्चुरीकरण से भी रिलेटेड है किड़बन से भी रिलेटेड है ठीक ठीक गजब का बेहतरीन क्वेश्चन अगला देखिए आपको बताना इसमें से कौन सी बेरोजगारी होती है कौन सी बेरोजगारी होती है जब लोगों को वर्ष के कुछ महीनों के दौरान नौकरी नहीं मिल रही होती है ठीक है ईयर भैया कैसी बेरोजगारी होती है आप समझ सकते हैं इसको कह सकते हैं मौसमी बेरोजगारी ठीक है क्या कह सकते हैं मौसमी बेरोजगारी ठीक है चलिए आगे बढ़ा जाए अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने राष्ट्रीय कैडेट कोर के महानिदेशक के रूप में कार्यभार संभाला है मतलब वर्तमान में जो राष्ट्रीय कैडेट कोर है इसके महानिदेशक कौन है आपको ये बताना है तो भैया ये है आपके गुरबीर हाँ गुरबीर पाल सिंह कौन गुरबीर पाल सिंह तो ये आपके जनरल अवेयरनेस और, है। है तो तो और फिर आपसे किसी न किसी बहाने मुलाकात तो होती ही रहेगी आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद आपने अंत तक मेरा साथ दिया इसके बाद रीजनिंग पढ़ने के लिए तैयार रहिए है ना रीजनिंग का भी जबरदस्त डिस्कशन भैया तो थैंक यू थैंक यू टू ऑल हेलो मेरे प्यारे दोस्तों नमस्कार सलाम वालेकुम जय हिंद जय भारत कैसे हैं आप सभी लोग राकेश नितीश अरुण रीना रिंकू जी नमस्कार 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 और अभी आप लोग पढ़ रहे थे यहाँ पे जीएस पढ़ रहे थे जीए भी पढ़ चुके हो साइंस भी पढ़ चुके हो है ना काफ़ी सारी चीज़ें आप लोग देख चुके हो चलो इसी के साथ चलते हैं आगे वीडियो को एक बार प्लीज़ प्लीज़ आप लोग शेयर कर दो फटाफट पट से और इसके बाद अपना ये सेशन हम लोग शुरू कर रहे हैं शुरू किया जाए अपना सेशन तो नमस्कार नित्येंद्र जी जितेंद्र जी अमित अतुल सूरज नमस्कार संशय जी शिवनाथ जी नमस्कार मैम आज मैथ की क्लास कितने बजे से होगी शायद क्या नाम है संशय जी शायद इसमें हमें थोड़ा सा संशय है कि आज क्लास होगी कि नहीं होगी इसके लिए हम सॉरी आपको अभी नहीं बता सकते हैं और विवेक जी नमस्कार जगदीश प्रकाश शिवनाथ पूजा बंगाल जी रविंद्र जी नमस्कार आप सभी लोगों को पहले तो वीडियो को शेयर कर दो आप सब लोग और इस समय का टाइम है तो बहुत सारे लोग बैठ गए होंगे खाना खाने के लिए चले गए होंगे कि भैया अब बर्दाश्त नहीं हो रहा पहले खाना खा ले उसके बाद क्लास करेंगे तो जो जा चुके हैं उनसे कोई दिक्कत की बात नहीं है भाई पेट पूजा उसके बाद काम दूजा ये भी ज़रूरी है जब पेट में नहीं रहेगा चारा तो कहाँ से नाचेगा बेचारा है ना तो जब पेट में चारा ही नहीं होगा तो दिमाग भी नहीं चलेगा तो इससे बढ़िया है पहले चारा वारा ले लिया जाए तब अपना दिमाग चलाया जाए राजेश ओम प्रकाश नीरज राजू जय चंदन जी चंद्रशेखर जी ओम प्रकाश जी शिव कुमार जी और ओके इसी के साथ चलो सभी लोगों को नमस्कार है सभी लोगों का स्वागत है जितने जुड़ चुके हैं जो आगे हमसे जुड़ेंगे उन सभी का स्वागत है और क्या आप सब लोग रेडी हो अपने सेशन को अटेम्प्ट करने के लिए देखेंगे कि कौन से क्वेश्चंस रीजनिंग में पूछे गए हैं और वो कौन से क्वेश्चंस हैं जो आप नहीं कर पाए हैं रैंक कार्ड मैम नीतीश आपको सत्यम सर प्रोवाइड कर देंगे अतुल गुंजन बबलू सुनील जगदीश सोनी मुकेश सभी रेडी हैं भाइयों तो पड़ा से बढ़ते हैं रीजनिंग की ओर और, और देखते हैं कि रीजनिंग से कौन कौन से प्रश्न बने थे पहला क्वेश्चन बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन था मजेदार क्वेश्चन था और आज का पेपर तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा ये जो पेपर था बहुत ही ज्यादा अच्छा पेपर था एक एक क्वेश्चन गजब के थे पहला ही क्वेश्चन आपको मिल गया जो कि जबरदस्त क्वेश्चन था देखते ही और लगा कि हाँ भाई कुछ प्रश्न है ऐसे ऑप्शन है वैसे ही प्रश्न है जल्दी से बताइएगा हार्ड पेपर था आज का रेडी है सभी लोग क्या वास्तव में पेपर इतना हार्ड था लेकिन मेरे ख्याल से ना पेपर हार्ड नहीं था लेकिन ट्रिकी था जबरदस्त पेपर था मज़ा आ गया था आज का रीजनिंग तो भाई सुपअप थी रीजनिंग तो बहुत अच्छी थी ऑप्शन सभी लोग कह रहे हैं डी ओके देखो दो का डबल चार दो में दो का गुणा किया है तो हो गया चार चार में तीन का गुणा किया तो बारह और अगली बार बारह में चार का ही गुणा करेंगे तब आएगा अड़तालीस यानी या तो सी या तो डी अब क्योंकि अड़तालीस के बाद जे लिखा है इसलिए हम सी और डी में लास्ट वाला लेटर चेक करेंगे ग्यारह में दो जोड़ा तो तेरा तेरह में चार जोड़ा तो सत्रह अगली बार छ अगर जोड़ दे तो सत्रह छ तेईस और ये हमको कहा मिल गया ऑप्शन डी में सभी ने नीतीश सविता सभी, सभी ने आंसर किया है ऑप्शन डी सभी का आंसर एकदम सही है और यही आंसर अगर आपने टेस्ट में भी लगाया है तो आपका आंसर एकदम सही है अगला क्वेश्चन बताइएगा ट्राइंगल से बेस्ड ये प्रश्न है और मुझे नहीं लगता कि किसी ने भी इस प्रश्न को छोड़ा होगा कोई ऐसा बच्चा नहीं होगा जो छोड़ के आया होगा ये प्रश्न सुनील दीपक शिव कुमार जयप्रकाश सिकंदर जी अभिलाषा राम वेरी गुड मॉर्निंग वेरी गुड आफ्टरनून ऑप्शन डी और डी में दिया हुआ है अट्ठारह चलो देखते हैं क्या ये सही होगा पंद्रह सत्रह और इसका मतलब आपने ये क्वेश्चन गलत कर दिया अब इतना आसान प्रश्न भी आप गलत कर सकते हो ये गलती की चीज है आपने बोल दिया पंद्रह और सत्रह क्या यहां पर सत्रह दिया हुआ है नहीं दिया हुआ है ना देखो इस पूरे में कितने त्रिभुज होंगे सारा का नंबर करो सबको जोड़ दो चार तीन सात दो नौ और एक दस यहां पर तीन यहां पर तीन दस तीन तेरह तीन सोलह और आपने आंसर किया या तो पंद्रह और किसी ने आंसर किया सत्रह किसी ने आंसर किया जिसने भी ये आंसर किया और कुछ लोग आंसर कर रहे हैं उन्नीस अब इतना आसान सा प्रश्न भी आप लोगों ने गलत कर दिया और ये मैंने आपको क्लास में बताया हुआ है और कल टेलीग्राम ग्रुप में कुछ बच्चों ने क्वेश्चन भेजे थे जो कि कैलेंडर से थे वो हम आपको एक्सप्लेन कर देंगे जब हम टेलीग्राम रात में बैठेंगे हम कल बहुत थके थे तो मैंने टेलीग्राम यूज नहीं किया तो हम बाद में आपको इसको बता देंगे ठीक है अगला क्वेश्चन एक बार फिर हमारे पास ट्राइंगल से है देखते हैं देखो आसान प्रश्न तो आप लोगों ने गलत कर दिया अब इस प्रश्न में देखते हैं कि आप लोग सही आंसर करते हो या फिर गलत आंसर करते हो फिलहाल ये पूरा ट्राइंगल है, एक सेकेंड, पिक्चर आपको लाइट दिख रही होगी इसलिए इसको हम पूरा डार्क कर देते हैं चलो अब देखो ये कैसा ट्राइंगल है चलो अब बताओ इसमें कितने ट्राइंगल पंद्रह होंगे थ्री पॉइंट वन एट अच्छा तीन का अट्ठारह ओके और ऑप्शन ए ऑप्शन ए ऑप्शन ए सभी लोग ऑप्शन ए कह रहे हैं कुछ लोग यहाँ पे अट्ठारह बोल रहे हैं तो अट्ठारह होगा या पंद्रह होगा अभी हम लोग कंफर्म कर लेंगे देखते हैं मेजॉरिटी पंद्रह के साथ जा रही है इस जब इस तरह से हमारे सामने त्रिभुज बनकर आता है एक त्रिभुज के अंदर छोटा सा दूसरा त्रिभुज दिखता है तो इसमें टोटल पाँच त्रिभुज होते ही होते हैं टोटल पांच हो गए अब इस बड़े वाले में पांच त्रिभुज हो गए इसके अंदर एक और बना देंगे तो फिर अंदर वाले में चार ही त्रिभुज होंगे पांच नहीं होगा पांच से एक कम चार तो ये तो हो गया पूरे में पांच छ सात आठ नौ दस ग्यारह और ग्यारह के साथ अभी मैंने क्या बताया त्रिभुज के अंदर एक त्रिभुज तो पांच और उसके अंदर एक त्रिभुज और बना देंगे तो फिर उसके अंदर चार त्रिभुज होंगे तो यहाँ पर इसमें भी चार त्रिभुज निकल करके आएंगे और ग्यारह और चार कितना हो जाएगा पंद्रह इज द राइट आंसर क्लियर है बड़े वाले त्रिभुज में कौन से बड़े वाले त्रिभुज में इस त्रिभुज में टोटल पाँच त्रिभुज होंगे पाँच के बाद छ सात आठ नौ दस ग्यारह और ग्यारह के बाद ये जो अंदर वाला त्रिभुज है इसके अंदर जो है वो चार है ग्यारह चार मिला करके पंद्रह हमारा आंसर होगा अगला प्रश्न आकृति से था पेपर बहुत अच्छा था एक एक-एक क्वेश्चन बहुत उम्दा थे जबरदस्त मजेदार क्वेश्चन था लगा कि भैया हाँ कोई पेपर है जैसा आप एग्जाम में पेपर देते हो हु बहु वैसा ही पेपर था एक एक क्वेश्चन कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं था कि लगे कि क्या उठा के दे दिया सारे क्वेश्चन जबरदस्त थे तो ट्रिकी थे मजेदार थे ऑप्शन डी जिनका आंसर आया है ओके वेल इन गुड है देखो यहाँ पर स्क्वायर है और स्क्वायर के अंदर ये बर्फी रख दी थी अब क्या किया बर्फी बाहर आ गई स्क्वायर अंदर चला गया है ना बर्फी बोलो या डायमंड बोलो क्या फर्क पड़ता है यहाँ पर ये चंद्रमा जो उल्टा है उसके अंदर पेंटागॉन है पैंटागॉन बाहर आ गया और उसके अंदर चंद्रमा चला गया और आंसर क्या लगा देंगे ऑप्शन डी सभी ने सही आंसर किया है एकदम सही अब ये क्वेश्चन बताओ आप लोगों को करना आता है कि नहीं इस क्वेश्चन में क्या आप लोगों को प्रॉब्लम होती है या आप लोग सॉल्व कर ले जाते हो क्योंकि ऐसे भी प्रश्न बनते हैं और प्रश्न आया ही है हम लोगों ने देखा है तो क्या ये क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं देखो यहाँ पे जो कॉमा दिया हुआ है के है के के बाद लेस देन इक्वल टू डी कॉमा हटा दिया डी से दिया हुआ है ग्रेटर देन एन एन इक्वल टू एम एम ग्रेटर देन इक्वल टू w कॉमा सबसे हमने हटा दिया है नहीं आता है ये क्वेश्चन ओके कितने लोग ऐसे हैं जो ये नहीं कर पाते हैं जरा एक बार लिख दो कि नहीं आता जितने लोग को ये नहीं आता एक बार लिख दो नहीं समझ में आया था मैम ठीक है तो क्यों पूछ इसलिए रहे हैं कि ऐसे कितने बच्चे हैं जिनको ये समझ नहीं आता जिन्होंने अभी तक नहीं किया है एटलीस्ट हम थोड़ा डिटेल में बता सके और आप फिर इस प्रश्न का आंसर कर सको नहीं आता नहीं आता नहीं आता, आता सभी ने कह दिया है बात सभी लोग कह रहे हैं कि मैम नहीं आता ओके नहीं आता है तो आज के बाद आ जाएगा अब नहीं बोलना कि मैम नहीं आता ठीक है आता है ओके बहुत बढ़िया संगीता जिन्हें आता है और जिनको नहीं आता है मेजोरिटी में है स्टूडेंट्स जिनको नहीं आता है ध्यान दो ये हमारे पास एक इक्वेशन है और इस इक्वेशन में जो खेल होता है वो ग्रेटर देन इक्वल लेस देन और ग्रेटर देन इक्वल का होता है ठीक है इसमें होगा क्या जब ये सीरीज़ हमने पूरी बना ली कॉमा था कॉमा था सारे कॉमा को उठा करके सारी सीरीज़ हमने जोड़ दी और हम हमें निष्कर्ष दे दिया गया है ये चारों निष्कर्ष हैं कि बताओ कौन सा निष्कर्ष सही होगा आपको मात्र एक काम करना है नहीं आता है अब आप इसको समझ लो और आ जाएगा आपको करना क्या है जब लेस देन दिया जाए निष्कर्ष की बात कर रहे हैं निष्कर्ष में अगर आपको लेस देन दिया जाए उसको ग्रेटर देन पढ़ेंगे जैसे इसको क्या अभी आप लोग ऑप्शन ए को क्या पढ़ोगे एम के से छोटा है ये पढ़ोगे या कुछ और पढ़ोगे कोई बताएगा हमें नीतीश देवा बंगाल नीतीश भास्कर जी न, नवनीत जी नहीं पेपर में नहीं, पे, नहीं पढ़ा है ओके okay. बहुत बढ़िया अच्छा आंसर आ गया है सी अभी चलते हैं हम लोग आंसर की ओर भी चलते हैं लेकिन इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे इसको हम लोग जनरली पढ़ते हैं कि जो एम है वो के से छोटा है यही पढ़ते हैं ना लेकिन अब ये नहीं पढ़ेंगे जब इस तरह का प्रश्न आए इसको उल्टा पढ़ना कि के बड़ा है एम से इसको क्या पढ़ेंगे डी बड़ा है एम से बात वही है बस हम उसको अपने तरीके से पढ़ रहे हैं एन बड़ा है के से और डब्लू बड़ा है के से छोटा वाला शब्द हम यूज ही नहीं करेंगे सिर्फ यही पढ़ेंगे कि ग्रेटर 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 देन ग्रेटर देन देन ठीक है एम के से हम तुमसे बड़े हैं या तुम उससे छोटे हो मतलब एक ही होगा पर हम पढ़ेंगे क्या कि के बड़ा है एम से स्मॉलर नहीं पढ़ेंगे और अब बढ़ते हैं यहाँ पर के एम से बड़ा है जब दो साइन आपस में अपोजिट हो जाते हैं तो वहाँ पे सीरीज ब्रेक हो जाती है और यहाँ पर हम रिश्ता नहीं बता पाते हैं के बड़ा है एम से के से एम की ओर चले तो दो सीरीज हमारी यहाँ पर अपोजिट मिल गई एक ग्रेटर और एक स्मॉलर सीरीज ब्रेक हो गई तो पहला वाला आंसर गलत हो गया ये चीज़ समझ में आई जिनको समझ में आई वो अब हाथ उठा दो कि हाँ मैम ये छोटी सी चीज़ समझ में आ गई क्या कि जब के से एम की ओर चल रहे थे हमसे कहा गया था कि के एम से बड़ा है लेकिन जब के से एम की ओर चले तो दो साइन अपोजिट मिल गए एक बड़ा का और एक छोटा का और जब अपोजिट मिल गए तो वहां पे वो सीरीज ब्रेक हो गई और हम के और एम के बीच में रिश्ता नहीं बता पाएंगे आ गया समझ में अगर समझ में आया अगर हम आपसे ये कह दें कि के जो के है वो बड़ा है डब्लू से अब क्या बताओगे सही या गलत अब आंसर क्या करोगे जल्दी से बताइएगा फिर से बता रहे हैं सुमित जी सभी लोग जितना बता रहे हैं आ गया समझ में वेरी गुड है अब अगर लिख दे के बड़ा है डब्लू से यहाँ पे के डब्लू बड़ा है के से हमने क्या लिखा है के बड़ा है डब्लू से क्या बोलोगे सही या गलत तो के से डब्लू की ओर चल रहे तो सीरीज ब्रेक है ना दो साइन अपोजिट मिल रहे हैं ना और जब दो साइन अपोजिट मिल गए हैं तो ये भी क्या हो गया गलत हो गया अब इतनी सी चीज समझ में आ गई यहां पर देखो के बड़ा है एन से के से एन की ओर चल रहे हैं दो साइन आपस में अपोजिट है तो ये भी क्या हो गया गलत हो गया हम नहीं बता सकते कि के बड़ा है और देखो सबने आंसर देना शुरू कर दिया है नो रिलेशन नो रिलेशन वेरी गुड डी बड़ा है एम से डी से एम की ओर अभी रुक कर चलेंगे पहले आ जाए ऑप्शन डी पे डब्लू बड़ा है के से डब्लू से के की ओर चल रहे हैं डब्लू से के की ओर आए तो बीच में फिर दोनों साइन अपोजिट हो गए और अपोजिट होते ही ये वाला निष्कर्ष भी क्या हो गया गलत और तीन निष्कर्ष गलत हो गए तो ले देके हमारे पास चौथा तीसरा वाला क्या हो गया सही हो गया अब कोई बच्चा अब जितने लोग कह रहे थे कि पूरा सा नहीं लेकिन ये वाला क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं और अब सी सही क्यों है ये समझ लो ये सी सही क्यों है <coughs> थोड़ा सा चलते हैं हम लोग अब इसको हटा दिया समझ में क्या आ गया कि दो साइन अपोजिट हो जाएंगे तो वो गलत हो जाएगा उसमें हम रिलेशन नहीं बता पाएंगे है ना लेकिन अगर सीरीज जब हम बोल रहे हैं आ गया ना समझ में बहुत बढ़िया लेकिन जब हम सीरीज बोल रहे हैं के ग्रेट के क्या यहाँ से D बड़ा है M से तो D से M की ओर चलना शुरू किया D किससे बड़ा है N से बड़ा है N और M दोनों क्या हैं बराबर है अगर हम आपसे कह दें कि मेरे पास दो पेन है और दोनों एक कलर एक क्वालिटी एक पैसे का है और एक जैसा लिखता है एक ब्रांड का है और हम आपसे कहेंगे दोनों में से कौन सा पेन लोगे तो कहोगे मैम कोई सा भी पेन दे दो, दोनों तो एक हो गए ना जब दोनों एक हैं तो एन भी और एम भी दोनों बराबर हैं और एन और एम दोनों बराबर हैं तो डी एन से भी बड़ा होगा और एम से भी बड़ा होगा एन और एम क्या है बराबर है तो हम लिख सकते हैं कि डी ग्रेटर डी ग्रेटर क्या हो गया सही हो गया अब समझ में आया आपका सही था विवेक वेल एंड गुड है तो ये सी सही क्यों होगा ये समझ में आ गया और एक और तरीका है इसको समझाने का <clears throat> एक और तरीका वो क्या है डी ग्रेटर देन एम था और एम सॉरी uh, यहाँ पर n इक्वल टू एम था d से m की ओर चले हम इक्वल को फॉलो नहीं करते हैं d से m की ओर चले तो d की तरफ बड़े का साइन था n और m दोनों एक हो गए हैं तो d n और m दोनों से ग्रेटर देन हो गया है आ गया है समझ में मैम जो नहीं बता पाए उनके लिए डंडे की व्यवस्था की जाए डंडे की व्यवस्था क्या है हम वहाँ थोड़ी आएंगे हम कह देंगे खड़े हो जाओ कुर्सी पर कान पकड़ लो जिनको नहीं समझ में आया वो खड़े हो जाए कान पकड़ ले मुर्गा बनने को नहीं कहेंगे फिर पढ़ नहीं पाओगे तो कान पकड़ के पढ़ाई करो खड़े हो जाओ जल्दी जल्दी अपनी कुर्सी पे सभी लोग तो समझ में आ गया तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं आ गया ना समझ में नहीं समझ में आया तो फिर हाथ उठा दो और जैसे ही हाथ उठाओगे हम कुर्सी पे कहीं देंगे खड़े हो जाओ तो सोच समझ के हाथ उठाना आ गया समझ में देखो देखो ये इसको कहते हैं खौफ डर कि कहीं कुर्सी पे खड़ा ना कर दिया जाए लेकिन चलो तुम्हारी मर्जी है अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अब कोई नहीं कहेगा कि मैम समझ में नहीं आया है वेरी गुड वेरी गुड अगली बार किसी ने बोला मैम समझ में नहीं आया तो मुर्गा भी बना देंगे मैम परमोटेशन एंड कॉम्बिनेशन करा दीजिए प्लीज प्रदीप परमोटेशन कॉम्बिनेशन तो आपका मैथ्स में चैप्टर चैप्टर हो गया है है ना और बहुत आसान चैप्टर होता कॉम्बिनेशन जितना टिपिकल लगता है, उतना टिपिकल होता नहीं है आ, इस क्वेश्चन को जल्दी से ऑप्शन ए ए ए सारे लोग ए बोल रहे हैं कई सारे लोग सी बोल रहे हैं क्या हो जाएगा टू ए थ्री बी देखो बहुत आसान प्रश्न दिया हुआ है दो और चार है तो दो में दो जोड़ के चार हो रहा है चार में दो जोड़ा छः चार में दो जोड़ा छः तीन में दो जोड़ा पाँच सात में दो जोड़ा तो पाँच ये तो गलती हो गया क्योंकि भैया सात में दो जोड़ेंगे तो नौ होगा पाँच नहीं होगा उसके बाद ए में दो जोड़ा तो सी तीन से दो कदम आगे गए अ ओ, 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 यहाँ पे तो गलत है अगर ई e से दो कदम आगे जाएंगे तो यहाँ तो वैल्यू नहीं है ए कट गया और आप लोग आंसर कर रहे थे ए जितने लोग ए आंसर कर रहे थे देखो भैया ए गलत हो गया आप सब लोगों का एल से दो कदम आगे गए पी आ गया ठीक है पी से दो कदम आगे आर आ गया और ये तो कट गया ही था अब तीन में दो जोड़ा तो पाँच पाँच दो सात चार दो छः ये भी सही हो गया बी से दो कदम आगे डी एम से दो कदम आगे क्यू गलत हो गया और जैसे ही गलत हो गया हमारा आंसर क्या हो गया ऑप्शन सी क्योंकि एम से दो कदम आगे जाएंगे तो ओ आना चाहिए और यहाँ पर क्यू दिया है समझ में आ गया ऑप्शन सी जिनका आंसर आया है सही है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इनको सबसे पहले व्यवस्थित करना है एक ऑर्डर में एक मीनिंगफुल ऑर्डर में देखो डिसऑर्गेनाइज लिखा हुआ है ना मतलब ये अपने पुरान, ये आ, अपने क्रम में नहीं है ये अव्यवस्थित रूप से लिखा है आपको इसे पुनर्व्यवस्थित करना है और एक मीनिंगफुल वर्ड होगा और उसके बाद अलग करना है जल्दी से आज यूपीएसएससी जेडी का टेस्ट आ, ए, ये आपका यही टेस्ट हुआ है ओके चलो तो बताओ इस क्वेश्चन का क्या आंसर लगा दोगे देखो पहला शब्द क्या है डिसीज पहला शब्द क्या है यहां पर जो पहला शब्द हमको दिया गया है वो डिसीज दिया गया है ठीक है दूसरा शब्द क्या है हमारे पास जो दूसरा शब्द दिया गया है वो दिया गया है तीसरा शब्द क्या है हमारे पास तीसरा शब्द कोई बताएगा पहला शब्द दूसरा हेल्थ है बहुत बढ़िया जिन्होंने भी हेल्थ लिखा हुआ है तीसरा बताइए तीसरा शब्द इलनेस तीसरा शब्द क्या है हमारे पास इलनेस है एक मिनट एन डबल ई नहीं है डबल एस है ठीक है और चौथा शब्द क्या है हमारे पास सिकनेस चौथा शब्द क्या बन रहा है हमारा ऑप्शन बी ऑप्शन बी इलनेस ऑप्शन बी इलनेस क्यों लगा रहा हो देखो ये सिकनेस है चौथा वाला क्या शब्द है हमारा चौथा वाला सिकनेस है ठीक है और चौथा वाला अगर सिकनेस आ रहा है चौथा वाला सिकनेस बन रहा है हाँ करेक्ट चौथा वाला सिकनेस ही बन रहा है तो इन चारों में क्या आंसर लगा देंगे हेल्थ 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 होगा करेक्ट हेल्थ क्यों होगा हेल्थ इसलिए हो जाएगा क्योंकि जो डिसीज़ है जो इलनेस है और जो सिकनेस है ये तीनों क्या है ये तीनों बीमारी के नाम हो रहे हैं क्या नाम हो रहे हैं बीमारी के ठीक है और जो आपका हेल्थ है ये स्वास्थ्य है स्वास्थ्य में आप अगर स्वास्थ्य बिगड़ जाता है तब आप क्या होता है इल पड़ जाते हो बीमार पड़ जाते हो सिकनेस वाली आपको डिसीज हो जाती आप मतलब सिक पड़ जाते हो बीमार पड़ जाते हो तो ये आपका चौथा ठीक है चौथा भी लिख दिया ए बी सी और डी और सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन डी नेक्स्ट क्वेश्चन स्वास्थ्य बहुत बढ़िया और कोई नौ बजे वाली क्लास नहीं होगी लगी है मैडम हाँ आज नहीं हो पाई है किसी कारण से नहीं हो पाई है ठीक है इलनेस में इलनेस नहीं होगा कुछ लोग आंसर कर रहे हैं कि मैम इलनेस होगा अगर आपको लग रहा है इलनेस देखो इलनेस हो गया डिसीज इलनेस सिक और सिकनेस और डिसीज ये तीनों क्या है बीमारी है ठीक है आपको कोई डिजीज हो गई कोई रोग हो गया जिसका अर्थ है इलनेस मतलब भी बीमार होता है सिकनेस मतलब भी बीमार थका हुआ सा यही होता है ना लेकिन हेल्थ वो स्वास्थ्य है तो इसलिए तीनों अलग एक ग्रुप में एक बीमारी के बारे में है और जो हेल्थ है वो आप सबका अलग हो गया मैथ का सल्यूशन बता नहीं सकते हैं हम आपको अभी चलिए एक शब्द है हमारे पास आ, कौन सा शब्द है स्टोरी एक शब्द है स्टोरी और आपको बताना है कि वन 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 ही होगा या कुछ और होगा क्या वन ही आंसर लगाएंगे या उसके अलावा बी ऑप्शन कह रहे हैं टू बहुत बढ़िया जो टी टू बोल रहे हैं चलो देखते हैं दो है या एक है एस और टी एक पेयर बन गया टी से आर की ओर चलेंगे तो कोई पेयर नहीं बन रहा है उसके बाद आर एस टी दूसरा पेयर बन गया किसका एक पेयर एस टी का है दूसरा पेयर टी और आर का है और हमारे पास केवल दो ही ऐसे पेयर बन रहे हैं और आंसर क्या लगा दिया जाएगा सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन बी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन सॉल्व कीजिए हमसे पूछा गया इस प्रश्न में कि बताइए प्रोविडेंट के लिए प्रोविडेंशियल के लिए क्या प्रयोग किया गया है अब प्रोविडेंशियल के लिए क्या प्रयोग किया गया है हमारे कंप्यूटर स्क्रीन पर जब ये क्वेश्चन आए तो हम ऐसा क्या करें कि हमें पेन पेपर ना उठाना पड़े हम कंप्यूटर uh, स्क्रीन पर ही इस क्वेश्चन को कर सके तो देखो प्रोविडेंशियल शब्द पहले देखो कहाँ कहाँ पर है प्रोविडेंशियल शब्द मच प्रोविडेंशियल पर्सन और साथ में फॉर्चुनेट एंड प्रोविडेंशियल में कॉमन क्या है सिर्फ और सिर्फ प्रोविडेंशियल दोनों लाइन में सिर्फ प्रोविडेंशियल कॉमन है तो दोनों लाइन में जो कोड कॉमन होगा कौन सा कोड एम यू के ई एस आई टी और एम यू यू कॉमन है दोनों में प्रोविडेंशियल कॉमन है उधर यू कॉमन है इधर तो आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि एम यू इज द राइट आंसर अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और साढ़े पांच सौ लाइक्स से ज्यादा लाइक्स हो चुके हैं बस थोड़े से लाइक्स की और जरूरत है अगला क्वेश्चन हमारे सामने एक बार फिर से है कि कौन सा व्यंजक है जो ये बताता है कि आर एल से आर एल से बड़ा होगा उल्टा पढ़ेंगे आर एल से बड़ा है ये असत्य होगा मतलब ये गलत होगा क्या करेंगे कॉमा दिया हुआ है दोनों लाइंस को आपस में जोड़ना है मैम एक बार मार्क्स टिप करवा दे ठीक है चंदन जी मार्क्स टिप मतलब जो आपने टेस्ट दिया है अभी या भी समझ में नहीं आया था कैसे क्योंकि अभी हमने किया ही नहीं है इसलिए समझ में नहीं आया था अब पहला वाला अगर इस स्टेटमेंट को हम बनाए एफ एस एल है यहाँ से सी और एस को हटा दो तो हमारे पास ये वाली एक लाइन बन रही है सीधी सीधी एस से एल का रिलेशन सीधा बन गया यहाँ पर भी एस छोटा और बराबर है एल से तो बस बीच वाली इस लाइन को हमने पूरा हटा दिया क्योंकि सिंबल एक जैसे हैं और देखो क्या ये सही हो रहा है या गलत हो रहा है आर बड़ा है एल से तो यहाँ पे तो आर बड़ा नहीं है यहाँ पे आर की तरफ स्मॉलर का साइन लगा हुआ है और हमको आर की तरफ ग्रेटर का साइन दे रहा है इसलिए यही हमारा ऑप्शन हो गया कि ये जो है ये गलत है ये असत्य है पूछा भी हमसे क्या गया था यही पूछा गया था कि इस एक्सप्रेशन में कौन सा डेफिनेटली फॉल्स होगा तो पहला वाला ही हमको मिल गया कि पहला वाला फॉल्स होगा क्योंकि आर की तरफ स्मॉल का साइन है जबकि आर की तरफ हमें बड़े का ग्रेटर देन का साइन दिख रहा है। अगला इसी में एक और चेक कर लेते हैं। इसी में क्या हो जाएगा? इस पर ध्यान दो। VXL है और यहाँ पर RVX है। अगर इसको देखें तो X बड़ा है L से, X बड़ा है L से। हमने इधर जोड़ दिया। इस वाले लाइन को x बड़ा था l से तो x के आगे एक साइन लगा दिया x बड़ा है l से और अब r से l की ओर चलेंगे तो r बड़ा है बड़ा है बड़ा है इसका मतलब तीनों में बड़े का साइन आ गया तो r बड़ा होगा l से बोलो समझ में आया कि नहीं b नहीं होगा b में तो r l से बड़ा है और यहाँ भी कह रहा है कि आर एल से बड़ा ये गलत होना चाहिए पर यहाँ तो सही हो रहा है ना कि आर एल से बड़ा है आया समझ में विवेक भाई भूख लगी है तो क्या करें आज की पार्टी मेरी तरफ से क्लास पूरी कर लो फिर आज की पार्टी मेरी तरफ से ठीक है विवेक चलो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं चारा चेक करोगे बाकी तीनों में आर जो है वो एल से बड़ा निकलेगा और पहले वाले में आर एल से छोटा और इक्वल का साइन है दिए गए इसमें कितने स्क्वायर है बताइएगा जल्दी से आंसर कीजिएगा थर्टी फाइव और कोई थर्टी फाइव थर्टी फाइव ऑप्शन ए सभी लोग कर रहे हो हमसे पूछा गया कि कितने वर्ग है अच्छा ये बताओ पैंतीस कैसे लिख रहे हो पैंतीस कैसे बता सकते हो पक्का पैंतीस होगा संदीप बहुत बढ़िया साहिल जिन्होंने पैंतीस आंसर अच्छा ये विशाल भाई कह रहे हैं मैम पंद्रह होगा अब भैया काहे भैया पंद्रह तो ऑप्शन व में भी नहीं दिया हुआ है लगा के तो नहीं आ गए पंद्रह अलग से ऑप्शन लिख दिए हो कि यहाँ पे पंद्रह होगा ऐसा तो कुछ नहीं किए हो पैंतीस 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 जिन्होंने पैंतीस आंसर किया है उनका आंसर सही माना जाएगा क्योंकि यहाँ पर फ़िलहाल पैंतीस नहीं है फिलहाल तो आलम यूँ है कि यहाँ पर पैंतीस से ज़्यादा है कैसे जिन्होंने चालीस आंसर किया हुआ है ध्यान दीजिएगा एक दो तीन चार नीचे दिए गए चित्र में कितने स्क्वायर हैं चार कॉलम हैं चार रो हैं, तो सबका स्क्वायर कर देंगे स्क्वायर करने पर ये हो जाएगा सोलह ये नौ ये चार और ये एक सोलह नौ पच्चीस और पच्चीस और पाँच तीस तो हमारे ये हो गए इसमें भी पाँच होंगे इसमें भी पाँच होंगे पाँच और पाँच दस हो गए टोटल होंगे चालीस थर्टी फाइव एंड मोर लिखना चाहिए था ये नहीं लिखा गया है तो भी दिक्कत नहीं है हम ऑप्शन बिल्कुल राजा बाबू करिश्मा कहाँ है कुछ याद है राजा बाबू आपको तो पैंतीस क्वेश्चन नहीं पैंतीस एंड मोर होना चाहिए लेकिन अगर आपने पैंतीस लगाया है तो भी ये आंसर आपका सही निकलेगा ठीक है अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और एक बार फिर से हमारे सामने ये वो प्रश्न है जिसमें कोडिंग डिकोडिंग का ही ये आ, कौन सी कोडिंग डिकोडिंग बोलते हैं वर्ड 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 टू वर्ड कोडिंग डिकोडिंग या चाइनीज कोडिंग डिकोडिंग और पूछा गया है ब्यूटीफुल को कैसे कोड करेंगे अब देख लो या तो ब्यूटीफुल का पेयर मिल जाए या तो ब्यूटीफुल अकेला मिल जाए आंसर क्या हो जाएगा सी एन डी जिन्होंने आंसर किया है वेरी गुड सी एन डी इसलिए क्योंकि यहाँ पर हमको ब्यूटीफुल मिल गया ओके okay. और यहाँ पर हमको क्या कॉमन मिल रहा है कुछ भी नहीं दिस इज स्ट्रॉन्ग ट्री ट्री मिल गया और इज मिल गया यहाँ पर मिल गया ट्री और इस, इसको काट दिया तो यहाँ पर वेरी और ब्यूटीफुल दो लेटर बच गए वेरी भी अकेला है ब्यूटीफुल भी अकेला है अगर एक वेरी हमको यहाँ पर मिल जाता तो हम ब्यूटीफुल का कोड बता पाते अब हम डाउट में हैं क्योंकि कोड कौन सा काट सकते हैं एन ए और के ए कॉमन कोड है काट दिया पी ए और ऐसे में ब्यूटीफुल का कोड क्या होगा हम कन्फर्म नहीं बता सकते और जब कन्फर्म नहीं बता सकते इसलिए आंसर क्या लगा दिया डेटा इनसफिशिएंट अगर हमें इधर का केस देता कि या तो पी ए होगा या तो ऐसे होगा तब हम इधर के केस पे जाते ओके okay? अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइएगा क्या होगा अगला क्वेश्चन आएगा इसका आंसर बच्चों की एक पंक्ति में दीप्ति जो लेफ्ट से नवे स्थान पर थी और कशिश जो राइट से थर्टींथ प्लेस पर थी दोनों ने अपना स्थान आपस में परिवर्तित कर लिया तो दीप्ति जो लेफ्ट से नई नवी थी अब सेवनटींथ पोजीशन पर आ गई पंक्ति में दाएं अंत से कोशिश का कशिश का नया स्थान क्या होगा नौ में आठ जोड़ने पर सत्रह हो रहा है तो तेरह में भी आठ जोड़ देंगे आठ तीन ग्यारह इक्कीस क्या आंसर आप लोगों ने यही लगाया है बहुत बढ़िया एकदम जिन्होंने आंसर लगाया है ऑप्शन बी इज द राइट आंसर अगला क्वेश्चन भी बहुत आसान और उतना ही मजे मजेदार क्वेश्चन जितना आसान क्वेश्चन उतना मजेदार क्वेश्चन इसका आंसर क्या लगा दिया है आप लोगों ने जितना आसान क्वेश्चन उतना मजेदार क्वेश्चन ऑप्शन सी है इस फिगर को पेपर को ओपन करेंगे तो सी वाला फिगर बनेगा क्योंकि एकदम क्लियर विजिबल नहीं है इसलिए डिटेलिंग पर नहीं जा रहे हैं अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन भी बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था कुछ क्वेश्चन टफ कुछ क्वेश्चन इजी। जब ऐसे प्रश्न मिलते हैं तो मजा आ जाता है पेपर करने में लगता है कि कुछ बढ़िया सा था ऑप्शन सी ओके देखो एफ से जे की ओर छह कदम चले एच से एल की ओर छह कदम नहीं चले हैं चार कदम चले हैं एफ से जे की ओर चार कदम ए से एल की ओर चार ई e में चार जोड़ा तो आई जी से चार कदम चले तो के सब में चार कदम चले हैं बस पी से चार कदम जाएंगे टी आएगा, टी आएगा हमको मिल गया अब टीवी टीवी है लास्ट वाला चेक कर लो क्यू से चार कदम सत्रह चार इक्कीस होता है मतलब ऑप्शन ए क्या ए लगाया है बहुत बढ़िया सौम्या विकास सोनू भास्कर सभी ने ए लगाया है अगला क्वेश्चन हमसे दिया गया है कि कौन सा वर्ड नहीं बनाया जा सकता विच कैन नॉट बी फ्रेम्ड कौन सा थर्म, थर्मोलैसिस एक वर्ड दिया गया है थर्मोलिसिस और इससे कौन सा शब्द नहीं बन सकता तो देखो लोटस देखने में साफ हमें दिख गया लोटस में यू है और थर्मोलैसिस में यू कहीं भी नहीं दिया है इसलिए ये शब्द नहीं बनाया जा सकता नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राइंगल बताइएगा कितना होगा अभी हम लोग सेवेंटीन क्वेश्चन पर हैं हमें तो लगा कि भैया लगभग पच्चीस करा चुके होंगे बारह ओके okay. देखते हैं यहां पर कितने ट्राइंगल हैं दो ट्राइंगल तो हमको यहां पे साफ दिख रहे हैं एक और जस्ट अपोजिट दो दो के बाद तीन और चार चार इसमें है तो चार यहां भी होंगे चार यहां भी होंगे चार चार आठ चार, चार, चार बारह और इसके अलावा और कोई त्रिभुज हमारा नहीं बन रहा सिर्फ और सिर्फ बारह ऑप्शन ही वेरी गुड आफ्टरनून कुमार सूरज जी वेरी गुड अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं अगले क्वेश्चन का आंसर कीजिएगा देखो इसमें क्या हो रहा है गुडनेस को एच और पी सी टी आर कोड किया गया है कैसे जी में प्लस वन एच तो आया o में एक घटाया तो एन आया o में एक जोड़ा तो पी आया डी से एक घटाया तो सी आया फिर प्लस वन माइनस वन प्लस वन और माइनस वन का केस हो रहा है सब में प्लस वन माइनस वन प्लस वन माइनस वन और प्लस वन ये पूरा ला चलेगा और यही लॉजिक हम लगा देंगे तो आंसर क्या आ जाएगा जल्दी से बता दो लेट हो गए हो भाई कुमार सूरज बहुत ज्यादा लेट हो गए हो ऑप्शन डी इज दी राइट आंसर जी से एक कदम आगे ह, आर से एक कदम पीछे क्यू ए में एक जोड़ा में में एक कम जेड, टी में एक कम ज्यादा हमारा आंसर ऑप्शन डी सही हो जाएगा अगला क्वेश्चन है इसको व्यवस्थित करना है कैसे व्यवस्थित करना है शब्द कोश के अकॉर्डिंग इसको व्यवस्थित करना है बताओ इसका आंसर क्या लगा दोगे शब्द कोश के अकॉर्डिंग इसको व्यवस्थित करना है ऑप्शन डी एक बार फिर से सभी आंसर कर रहे हैं ओके देखते हैं डी सही है कि नहीं डी में दे रहा है तीन एक पांच तीन में हमें दिया हुआ है सी आर ई सी आर ई होगा ई e के बाद सबसे पहले ए आएगा मतलब ये सही है तीन लेटर ये जो है तीसरा वाला सबसे पहले आएगा क्योंकि यहीं पर ए दिया हुआ है ई e के बाद और ये ऑप्शन हमको क्योंकि डी में मिल गया तो बाकी के ऑप्शन हमने चेक नहीं किए इसको आंसर किया और बढ़ गए अगले क्वेश्चन की ओर एग्जाम में भी हम लोग यही करेंगे ठीक है अब बताओ यहाँ पर क्या आंसर लगा दोगे जिम ध्यान और योग के संबंध में कौन सा रिलेशन बताओगे चलो क्या आंसर ऑप्शन सी सी क्यों लगा दोगे सी तो गलत है सी तो भाई कतई गलत है चंदन बहुत बढ़िया सही आंसर है और कोई विकास का आंसर सही दीपू का आंसर सही पंकज सही विकास दीपक और कोई और कोई ऑप्शन डी ऑप्शन सी ए और किसने बोला है संदीप मंजू वेरी गुड संदीप मंजू और, और कोई और कोई अभी लॉजिक समझाते हैं सोनी जी बहुत बढ़िया अर्जुन भास्कर बहुत बढ़िया नितिन बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया संदीप सभी ने जिन्होंने ए आंसर किया है उनका सही है और ये बी सी डी क्यों नहीं होगा अब इसको समझ लेना क्योंकि हमें पता है यहाँ पे डाउट आया होगा भैया योग और जिम और ध्यान को एक दूसरे से जोड़ दिया होगा कि योगा में हम लोग ध्यान करते हैं है ना जिम में हम लोग ध्यान करते हैं ये बताओ जिम है तीनों स्वास्थ्य से रिलेटेड हेल्थ के लिए करते हैं क्या जिम में आप लोग ध्यान करते हो जिम में जाकर के ध्यान लगाना पड़ता है मेडिटेशन करना पड़ता है नहीं जब आप जिम कर करते हो तो क्या है? वहां पर आप योग करते हो योगा सिखाया जाता है नहीं योगा भी नहीं कराया जाता जिम में एक्सरसाइज जो होती है वो अलग होती है योगा अलग होता है और मेडिटेशन अलग होता है तीनों अलग अलग होते हैं अब योगा कर रहे हो तो योगा में ध्यान लगाना अलग हो गया योगा करना अलग हो गया जिम करना अलग हो गया और इसलिए आंसर क्या लगा दिया ए लगा दिया बी आपने इस लॉजिक से लगाया कि जिम के अंदर ध्यान योग के अंदर जिम और जिम के अंदर ध्यान नहीं भैया जब हम योग कर करने जाते योग की क्लासेस अलग चलती हैं जिम का अलग होता है और ध्यान का अलग होता है ऐसा नहीं मिलेगा कि जिम वाले ने कह दिया आओ आओ हम तुमको ध्यान भी करना सिखाएंगे आओ हम तुमको यहाँ पर योग भी करना सिखाएंगे खुली है दुकान जल्दी आओ फिफ्टी परसेंट का डिस्काउंट पाओ ऐसा कुछ भी नहीं होता है जिम को जिसको करना है वो जिम जाके ज्वाइन करता है जिसको जोगा योगा करना है वो जिम नहीं जाता वो योगा के क्लासेस जाता है और जिसको मेडिटेशन करना होता है वो उस क्लासेस में जाता है अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं हाँ अ यहाँ पर चित्र गायब है और अगर साक्षर व्यक्तियों का पूछा गया है तो इस क्वेश्चन को बदल देते हैं चित्र गायब है इसलिए अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करो देखो इसमें क्या था आठ का हम क्या कर सकते हैं बताइए पांच ग्यारह क्या कहना चाह रहे हैं सारथी जी हम समझे नहीं हाँ जी देखो वो क्वेश्चन में चित्र नहीं था इसलिए मैंने हटा दिया है ठीक है देखो आठ का दुगना कर दो आठ का दुगना कितना सोलह में से पांच घटा दो कितना हो जाएगा ग्यारह बारह का दुगना कर दो चौबीस चौबीस में से ग्यारह घटा दो कितना हो जाएगा तेरह तो बस सात का दुगना चौदह चौदह में से छह जाएगा आठ आंसर क्या आ जाएगा ऑप्शन बी जिन्होंने नौ आंसर किया हुआ है भैया वो समझ लेना किस तुक्का तो नहीं मार दिया नौ लगा के अब ये तो बहुत आसान प्रश्न है बहुत ही ज्यादा आसान कैसे एल की प्लेस वैल्यू है एम की प्लेस वैल्यू है तो यू की प्लेस वैल्यू और डब्ल्यू की प्लेस वैल्यू आंसर डी लगा देंगे इसमें तो कुछ बताना ही नहीं है अब इसमें कहोगे कि मैम जरा डिटेल बता दीजिए तो हम फिर कहेंगे कि खड़े हो जाओ अपनी कुर्सी पे सब लोग यही बोलेंगे अगला क्वेश्चन क्या है सी 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 को मल्टीप्लाई कर रहा है डी को डिवाइड कर रहा है एक का मतलब प्लस हो रहा है और बी का मतलब माइनस हो रहा है अब फाइव को फाइव से डिवाइड करेंगे तो एक आएगा पाँच को एक से गुणा करेंगे पाँच आएगा ये प्लस पाँच पाइनस पाँच कैंसिल हो चुका है कैंसिल होकर हमारा आंसर क्या आ जाएगा ऑप्शन बी सभी ने यही आंसर लगाया है अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फाइव पर आप पहुँचे हैं फाइव इज राइट आंसर वेरी गुड सभी का आंसर फाइव आ रहा है राजा सूरज भास्कर चंदन अर्जुन कृष्णा अशोक नितिन राजा शांति वेरी गुड मंजू सबिता बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया अतुल सभी ने सही आंसर किया अगला क्वेश्चन और आप लोगों ने 600 के ऊपर लाइक्स को पहुंचा दिया है बहुत अच्छा लगा देख के अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या होगा और इस क्वेश्चन का जितने लोग भी आंसर कर रहे हैं नमस्कार प्रमोद जी नमस्कार पिंटू जी क्या हो रहा है इसमें कोई बता सकता है हमको देखो बहुत आसान प्रश्न है अक्सर इसमें ये लॉजिक कई बार रिपीट हुआ है एग्जाम में तेरह और इकसठ को जोड़ दिया दो नंबर्स को जोड़ देंगे तीन और एक चार छः और एक सात और ऊपर के दो नंबर्स को भी जोड़ दिया तो नौ और एक दस तीन दो पाँच दोनों का डिफरेंस निकाल लिया आ गया चौबीस बीच वाली संख्या आ गई चौबीस तो बस ये लिखा हुआ है सत्रह ये इकतीस है ये नौ है ये ट्वेंटी नाइन है और ये क्वेश्चन मार्क है और बता दो फटाफट से हंड्रेड लाइक वाओ बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया मैम मैक्सिमम कितने नंबर आए प्लीज बताए किसमें मनीष जी किसकी अच्छा रीजनिंग की बात कर रहे हैं कि ओवरऑल की बात कर रहे हैं आंसर क्या लगा देंगे ऑप्शन सी जिन्होंने आंसर किया है वेरी गुड ठीक है बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर चलो लड़कियों की एक पंक्ति में डॉली जॉली क्रमशा डॉली राइट से नाइन्थ प्लेस पर है जॉली लेफ्ट से दसवें स्थान पर है यह हमारा क्वेश्चन था यदि वह अपने स्थान बदल लेती हैं तो जॉली और डॉली क्रमशाह दाएं से सत्रहवें और बाएं स्थान पर आ जाती है सेवनटींथ और एटीन स्थान पर आ जाती हैं। टोटल हमसे पूछा गया है किसी भी दो रैंक को उठा के टोटल कर सकते हैं इसकी दूसरी रैंक ली तो इसकी पहली रैंक दस और सत्रह सत्ताईस से एक कम कितना छब्बीस इन दोनों की अगर रैंक उठाते हैं तो ये दोनों वाली रैंक उठाएंगे नौ और 18 भी सत्ताईस हो जाएगा सत्ताईस से एक कम छब्बीस क्या छब्बीस आंसर ही लगाया राजा बाबू भाई काहे छत्तीस लगा रहे हो छब्बीस लगाओ ना चुपचाप से काहे दस नंबर ज्यादा लिए जा रहे हो तुम तो? एग्जामिनर काट लेगा समझे चलो अगला क्वेश्चन देखो अगला क्वेश्चन बहुत आसान है ये आकृति दी गई है कि भैया बताओ इसमें जो आकृति बनी है ये किसमें दिख रहा है साफ साफ हमको इसमें छिपी हुई आकृति मिल रही है एम्बेड फिगर का ये क्वेश्चन है कि उसमें सन्नि है या छिपी हुई आकृति ये हमको दिख गई हमने तुरंत आंसर लगा दिया ऑप्शन ए अगला क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है ये क्वेश्चन का आंसर आप लोग बताना क्वेश्चन दिख रहा है नहीं दिख रहा है तो क्वेश्चन हम बता दे रहे हैं भ्रष्टाचार से हर कीमत पर ये वाला स्पेशल क्लास पढ़ा दीजिए कौन सा कौन सा बोल रहे हो क्वेश्चन नंबर सत्ताईस के लिए नाम नहीं पढ़ पाए आपका क्वेश्चन नंबर सत्ताईस या क्वेश्चन नंबर अट्ठाइस किसकी बात कर रहा हो स्पेशल क्लास के लिए ओवरऑल सब में निकल गया कमेंट ट्वेंटी एट डी ट्वेंटी डी में दे रखा है, मतलब है? इनमें से कोई नहीं भ्रष्टाचार से हर कीमत पर लड़ा जाना चाहिए हमें इसकी बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ रही है एक नेता के भाषण का ये अंश था ठीक है भ्रष्टाचार से हर कीमत पर लड़ा जाना चाहिए हमें इसकी बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ रही है एक नेता ने अपने भाषण में कहा अजमशन दिया गया कि संबंधित नेता भ्रष्ट नहीं है अब संबंधित नेता भ्रष्ट है या नहीं है भाई चोर हमेशा बोलेगा कि चोरी करना पाप है जबकि वही चोरी कर रहा होता है हम हम नहीं 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 कह सकते 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 जो वो वो लाइन बोल रहा है वो है या नहीं है करप्ट या क्या हम इसके बारे में बता सकते है? नहीं बता हैं दूसरा अजमशन है क्या सोच करके ये बात बोली है ये जरूरी है वो ये नहीं सोच रहा है कि मैं वो व्यक्ति संबंधित जो है वो नेता नहीं है ये बात की बात है अजमशन पहले की बात होती है कि क्या सोच करके इस नेता ने यह बात कही होगी और नेता ने क्या सोचा होगा तो दूसरा है हमारे व्यवस्था में भ्रष्टाचार व्याप्त है और बात भी हो रही है भ्रष्टाचार से लड़ाई करने की तो नेता ने सोचा कि हमारी व्यवस्था अब हमारी व्यवस्था आपकी और हमारी व्यवस्था नहीं नेता ने क्या सोचा होगा तो भाई जो भाषण दे रहा है वही तो सोचेगा हम क्लास लेने आ रहे हैं तो हम सोचेंगे ना कि क्लास बढ़िया से चलेगी कि नहीं ऐसा तो नहीं लाइट का दिक्कत आ जाएगा ये तुम तो

प्री अजम्पन है पूर्व धारणा है उसने नेता ने सोचा और ये सोच करके ही ये स्टेटमेंट दिया गया कि भ्रष्टाचार पे हर कीमत से लड़ा जाना चाहिए हालांकि इसका आंसर आपको गलत मिल गया है आपको जो आंसर दिया जाएगा वो दे दिया गया होगा केवल पहला वाला निहित है और हमें ये नहीं बता हमें यह बताओ कि यह पहला वाला कहाँ से निहित हो जाएगा पहला वाला अगर कह रहा है कि जो संबंधित नेता है वो भ्रष्ट नहीं है ये हमें इस स्टेटमेंट में ये सोच करके स्टेटमेंट नेता ने नहीं दिया हुआ है आया समझ में तो इसलिए आपको मिला तो ऑप्शन ए होगा लेकिन यहां पर सही आंसर क्या होगा हमने वो बता दिया है अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं मैं, मैं में भी किया बट मेरा आंसर तो को गलत कर दिया ऐप में हाँ मनीष क्यों गलत कर दिया वो मैंने आपको रीजन बता दिया क्योंकि उसमें ए आंसर दिया हुआ था इसलिए वो एक गलत हो गया ठीक है मैथ्स की क्लास विवेक नहीं होगी भाई नहीं हम नहीं होगी बच्चा होगी तो आपको पता चल जाएगा चलिए बताइए यदि परसों रविवार है तो कल कौन सा दिन था अब परसों रविवार है परसों रविवार है तो फिर कल सैटरडे रहा होगा और आज फ्राइडे रहा होगा और आज फ्राइडे है तो कल क्या रहा होगा थर्सडे रहा होगा आराम से हम आंसर कर सकते हैं थर्सडे इज द राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन सीरीज का है और हम इसको डिफरेंस के बेस पर कर सकते हैं कर सकते हैं ना प्लीज कितने नंबर आए ये भी बता दीजिए बता दिया जाएगा मनीष कितने नंबर आए हैं आप लोगों के ये सब आपको सर बताएंगे सब आपको सर बताएंगे मत परेशान हो चलो इस क्वेश्चन को फटाफट फड़ से सॉल्व कर लो डिफरेंस के बेस पे आंसर आराम से निकल आएगा वेरी गुड जिनका भी आंसर आ गया देखो तीन सौ उल्टा चलना शुरू करते हैं सीधा ना चल के हम उल्टा चल रहे हैं मुझे उल्टा करना उल्टा जब हम करना सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को मतलब घटाने के बजाय जोड़ना तो मुझे ज़्यादा आसान लगता है इसलिए हम उल्टा प्रोसेस करते हैं यहाँ पर चार में एक जोड़ा पाँच नौ और एक दस ओके देखो यहाँ लाइट जा चुकी है और क्योंकि सर ने आप लोगों के लिए इन्वर्टर लगा रखा है तो इन्वर्टर से क्लासेस चल रही हैं बाकी लाइट जा चुकी है एसी पंखा सब बंद हो चुका है और अब हम लोग ऐसे ही पढ़ेंगे 202 जिनका आंसर है वेरी गुड चार और एक पाँच नौ और एक दस इधर की तरफ ठीक है पाँच दो सात और दस दो बारह सात तीन दस बारह तीन तेरह छः में दो जोड़ा तो दो और ये हो गया छः छः ये कितना हो जाएगा छः चार दस बयालीस अब ये बताओ ग्यारह बाईस तैतीस चल रहा है तो यहाँ चौवालिस ना होना चाहिए जबकि बयालीस दे रहा है इसलिए सही आंसर क्या हो जाएगा दो सौ दो वो नंबर है जो कि बाकी सीरीज में गलत है ठीक है ग्यारह का मल्टीपल डिफरेंस बिल्कुल शांति जी एकदम सही है हम प्रोसेस उल्टा इसलिए करते हैं क्योंकि मुझे जोड़ना ज्यादा आसान लगता है घटाने से और हम हर बार जोड़ के ही काम करते हैं ठीक है तो ये हमारा आज का प्रश्न था कि आज इसमें देखा हम लोगों ने कि बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न पूछे गए थे बहुत अच्छे प्रश्न थे चाहे वो सीरीज से रहा हो या फिर आपका कैलेंडर से हो या फिर वो क्वेश्चन आपका फिगर से बना हो कहीं से भी प्रश्न थे ओवरऑल प्रश्न बहुत अच्छे थे मज़ेदार प्रश्न था और आज के लिए इतना ही मॉक टेस्ट में कितने मार्क्स लाना चाहिए ओवरऑल आरती लोधी जी ओवरऑल आपको मॉक टेस्ट में कोशिश करो सेवेंटी लाने की ठीक है सेवेंटी परसेंट एट्टी परसेंट अगर आप अपने स्टार्ट किया हुआ है तो हम मान के चलते हैं कि आपको फोर्टी फिफ्टी परसेंट मिलेंगे ठीक है जिनको भी थोड़ा बहुत पढ़ा है लेकिन अगर आपका बेसिक कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो चुका है सारी चीज़ें समझ में आ चुकी है तो आपको मेनटेन करना है सेवेंटी टू एट्टी आपको वो ले करके जाना है ठीक है मैथ्स का क्लास बता दिया है भाई मनीष कितना सवाल करते हो तुम अब मेरा एक फ्रेंड भी है मनीष नाम का अब वो इसी तरह सवाल करता है पीछे पड़ जाता है मतलब एक सवाल जवाब जवाब दे दे तो तो दूसरा दूसरा सवाल, सवाल सवाल, का तो तीसरा सवाल. तो तो सवाल सवाल, आए, तो और भी कुछ प्रश्न है, बचा है बताने को कितने बजे से क्लास होता है भूषण ये क्लास आपकी संडे संडे लगती है आप एमडी क्लासेस जो ऐप डाउनलोड करोगे वहां पर आप टेस्ट दोगे पहले टेस्ट फ्री होता है कोई चार्जेस नहीं उसका वो टेस्ट देने के बाद आप इसका सोल्यूशन यहाँ पर कराया जाता है और दूसरी चीज आपको बता दें कि आप आ, प्लीज जाओ एम डी क्लासेस को रेटिंग करो अपने जो फीडबैक है प्लीज वो आप सब लोग फीडबैक दीजिए कौन बनेगा करोड़पति हम बनेंगे सत्यम भाई साहब हम बनेंगे सिक्सटी फाइव हंड्रेड इन दिस मैथ्स का सोल्यूशन होगा अच्छा ठीक और आप देखो शांति तो चलो आज के लिए इतना ही फिर मिलते हैं आप सब लोगों से थैंक यू वेरी मच टाटा बाय टू ऑल